स्वागत है दोस्तों, ट्रिक्स का अड्डा में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। हम लोग प्रतिदिन की तरह हम लोग आज भी जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग का टाइमिंग आज थोड़ा सा चेंज हो गया है। आज शाम को आज प्रारंभ किए हैं। चलिए सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए बंटी जी गुड इवनिंग। चलिएगा सभी लोग आ जाइए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिएगा सुमिरन जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। नवीन जी गुड इवनिंग। चलिएगा, चलिए तो जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, सभी को गुड इवनिंग। चलिए कुंदन गिरी जी, अजीत जी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग आ जाइए, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिए मधु गुप्ता जी, कमलेश जी, चंदन जी, सभी को गुड इवनिंग। चलिए सुधीर जी आ जाइए, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी लोग। तो चलिए हम लोग आप सभी को पता है कि आज हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान दीजिएगा, 100 क्वेश्चन करेंगे और उसी तरीके से। लेकिन आज करेंट अफेयर का क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 20 है, करेंट अफेयर का क्वेश्चन 20 क्वेश्चन रहेगा। चलिए आयशिका जी गुड इवनिंग, लक्ष्मीकांत जी गुड इवनिंग। चलिए तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, सभी लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं क्योंकि हमारा टाइमिंग हो चुका है। चलिएगा बिल्कुल SST का ही क्वेश्चन करवाया जाएगा। चलिए सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन, इसमें आपका 20 क्वेश्चन करेंट का रहेगा, बाकी 80 क्वेश्चन GKGS का है। तो चलिए सभी लोग शुरू हो जाइए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में CDB के नए निदेशक किसे बनाया गया, फटाफट बता दीजिएगा। हाल ही में बताइएगा कि CDB का बताइएगा कि नया अध्यक्ष बताइएगा किसे बनाया गया है। चलिएगा सभी को गुड इवनिंग, अमरजीत जी, अश्विनी जी, अजय यादव जी, सभी को। चलिएगा, चलिए रिया जी गुड इवनिंग, शिवानी जी गुड इवनिंग। चलिए फटाफट बताइएगा आंसर, सभी लोग बता दीजिए। चलिए नवीन जी का सही आंसर आया है, अजय यादव जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, अमरजीत जी का भी सही आंसर आया है, लक्ष्मीकांत जी का सही है, कमलेश जी का सही है, बंटी जी का सही है, राम पुकार जी का भी सही है, चंदन जी का भी सही है। चलिए तो सभी लोग का सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी देवेंद्र कुमार सिंह को हाल ही में नियुक्त किया गया है। चलिए ज्योति जी गुड इवनिंग। चलिएगा तो ऑप्शन इसका ये करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी हाल ही में CDB का जो नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, यानी नया निदेशक नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया, तो ध्यान दीजिएगा देवेंद्र कुमार सिंह को। और CDB का पूरा नाम क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसका अगर स्थापना की अगर बात अगर किया जाएगा, तब स्थापना कब हुआ है, तो 1990 में इसका स्थापना हुआ है। इसका अगर हेडक्वार्टर्स मुख्यालय की अगर बात अगर किया जाएगा, तब लखनऊ में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन की अगर बात अगर किया जाएगा, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा भी इसके चेयरमैन है। चलिएगा अगला क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में हीरा सिराना का निधन हुआ है, इनका संबंध बताइएगा कि किस क्षेत्र से था, बताइएगा सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा वंदना जी गुड इवनिंग, चलिए फटाफट बता दीजिएगा सभी लोग। चलिएगा बंटी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, शिवानी जी का सही है, अजय यादव जी का सही आंसर आया है। चलिए सभी लोग का आंसर आना चाहिए, दीपक जी का सही है, शिवानी जी का सही है, विनीता जी का सही है, लक्ष्मी जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का, कमलेश जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, रिया जी का सही है। चलिए कबीर सिंह जी गुड इवनिंग। चलिए अमरजीत जी का सही है, वंदना जी का भी सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी हाल ही में हीरा सिंह राणा का जो निधन हुआ है, इनका जो संबंध था वो किस चीज से था, तो लोक गायक की से इनका संबंध था। संबंधित कहाँ से थे, तो उत्तराखंड से संबंधित है, यानी इनका जो संबंध था उत्तराखंड। अब उत्तराखंड के हाल ही में जो ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई है, वो कहाँ, तो गैरसैंड में बनाया गया है। आपको पता है हाल ही में होप पोर्टल वहाँ पर लॉन्च किया गया था, जो बेरोजगारों को दूरी करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए होप पोर्टल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। वहां के अगर सीएम का अगर बात अगर किया जाएगा, तो TS रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री है। गवर्नर की अगर बात अगर किया जाएगा, तो बेबी रानी मौर्य वहां के राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मल्टी लोकेशन क्लेम सेटलमेंट सुविधा को प्रारंभ किया है, बताइएगा। हाल ही में बताइएगा कि कौन सी संस्था के द्वारा प्रारंभ किया गया, फटाफट बता दीजिएगा सभी लोग, बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा बंटी जी का सही है, अजय जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, दीपक जी का सही है, माधव जी का सही है, कमलेश जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का भी सही आंसर आया है, और बताइएगा नेहा जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, आयशिका जी का सही है, रिया जी का सही है, अमरजीत जी का भी सही है। चलिए तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी हाल ही में EPFO के द्वारा हाल ही में इसको प्रारंभ किया गया है। इसका संबंध की चीज़ है, तो यानी भविष्य निधि पेंशन और आंशिक जो निकास है, इसको व्यवस्थित करने के लिए इसी से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा। अब EPFO का पूरा नाम क्या होता है, तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और ऑर्गेनाइजेशन होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में गर्नी बैंड नामक एक डिवाइस जो लॉन्च किया है, वो किसने लॉन्च किया है, बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन फटाफट बता दीजिएगा।
चलिएगा, मधु जी का सही है, कमलेश जी का सही है, दीपक जी का सही है, शिवानी जी का सही है, या प्रभा का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, बंटी जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का सही है, अजय यादव जी का सही है, चंदन जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, आयिशिका जी का सही है, चलिए ज्योति जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है। चलिए तो सभी का आंसर आना चाहिए ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी जी किशन रेड्डी के द्वारा हाल ही में इसको लॉन्च किया गया, ध्यान दीजिएगा। इसको लॉन्च किस लिए किया गया है, तो इसको यानी 99.9% जो है सरफेस को सैनिटाइज करने के लिए इसको प्रारंभ किया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके इसके ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली जो रिमिटेंस है वो कब मनाया गया है, बताइएगा, हाल ही में बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट। चलिएगा कब मनाया गया है बताइएगा। चलिएगा कबीर सिंह जी का सही है, ज्योति जी का भी सही है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। मधु जी का सही है, दीपक जी का सही है, बंटी जी का सही है, चलिएगा चलिएगा, बीना भारती जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है, मंटू जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, शिवानी जी का सही है, नेहा जी का सही है, अश्विनी जी का भी सही है, चलिए लक्ष्मीकांत जी का भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसको कहा जाता है हिंदी में, ध्यान दीजिएगा। और ये मनाया क्यों जाता है, तो प्रवासी योगदान, प्रवासी का जो योगदान देते हैं उसी के लिए, यानी जो प्रवासी जो धन ये सब लाते हैं उसी के लिए, ये सब जो विदेश में रह करके कमाते हैं और जो भारत में धन लाते हैं उसी के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, कब मनाया गया, 16 तारीख को मनाया गया, 16 जून को। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा कि हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बना है, बताइएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया, ध्यान दीजिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया, ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे अधिक कार्य देने वाला, बताइएगा। चलिएगा दीपक जी का सही है, मधु जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, मर्जी जी का सही है, अजय जी का सही है, शिवानी जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, चलिएगा महेंद्र जी का सही आंसर आया है, शिवानी जी का सही है, चंदन जी का सही है, अजीत जी का सही है, ईशिका जी का सही है, बंटी जी का सही है, नेहा जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, वंदना जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है, चलिएगा बीना भारती जी का सही है, चलिएगा नेहा जी का भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी उत्तर प्रदेश के द्वारा हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे अधिक कार्य दिया गया, ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश की बात आई है तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे अभी वर्चुअल अदालत भी प्रारंभ किया गया था, अजियो कम्युनिटी किचन प्रारंभ किया गया, उसके बाद प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया है यहीं पे, और उसके बाद आरोग्य सेतु को अनिवार्य किया गया है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आप लोगों को पता है कि योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल की बात अगर किया जाएगा तो आनंदीबेन पटेल। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा कि हाल ही में किस राज्य ने COVID-19 की वजह से सबरीमाला जो मंदिर उत्सव है उसको रद्द कर दिया है, बताइएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया है, चलिएगा मर्जी जी का सही है, चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, या प्रभा का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है, मधु जी का सही है, बंती जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, अजय यादव जी का सही है, सुधीर जी का सही है, शिवानी जी का सही है, माधव जी का सही है, चंदन जी का सही है, अजीत जी का सही है, महेंद्र कुमार जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, सुषमा जी का सही है, चलिएगा नेहा जी का भी सही आंसर आया है, अजीत जी का सही है, कमलेश जी का सही है, चलिएगा शिवानी जी का भी सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी हाल ही में सबरीमाला जो मंदिर है वहाँ के उत्सव को रद्द किया गया है, यानी COVID-19 के कारण, तो वो कहाँ में स्थित है, केरल में स्थित है, ध्यान दीजिएगा। और केरल की बात आई है तो आप लोग को पता है कि तिरंगा पहल की शुरुआत किया गया था कहाँ पे, केरल में, यानी वहाँ पे रैपिड वाहन के मदद से उसको रैपिड इसका चेकिंग किया जाएगा, यानी दूरी बना करके। और कर्मी एक बोट रोबोट उसको लॉन्च किया गया था, कर्मी बोट इसको प्रारंभ किया गया, यानी COVID-19 लोगों को सहायता के लिए ये भी केरल में ही इसको प्रारंभ किया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया है, बताइएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा चलिएगा रिया जी, बोलो आपका कमेंट आ रहा है रिया जी, बताइएगा। मधु गुप्ता जी का सही है, नेट प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी ऐसा होता है। ज्योति जी का सही है, मंती जी का सही है, अजय यादव जी का सही है, मर्जी जी का सही है, सुधीर जी का सही है, ज्योति जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है, जयप्रभा का सही है, कमलेश जी का सही है, मजीद जी का सही है, चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। बीना भारती जी का सही है, मंटू जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, आयशिका जी का सही है, छोटू जी का सही है, चलिएगा नेहा जी का सही है, माधव जी का भी सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी हाल ही में बाल यौन शोषण से निपटने के लिए जो प्रारंभ किया गया है प्रोजेक्ट किसके द्वारा, फेसबुक के द्वारा। फेसबुक का अगर स्थापना की अगर बात अगर किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा कब स्थापना हुआ है, 2004 में। इसका जो संस्थापक है मार्क जुकरबर्ग, ध्यान दीजिएगा मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में रज पर्व अथवा राजा का पर्व जो कहा जाता है, बताइएगा कहाँ मनाया गया, बताइएगा कहाँ पर मनाया गया, बताइएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन
क्वेश्चन फटाफट बता दीजिएगा। हाल ही में बताइएगा कि रज पर्व या राजा का पर्व कहाँ में मनाया गया, बताइएगा। रिया जी का सही आंसर है, मधु गुप्ता जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिए सभी लोग फटाफट बताइएगा, बीना भारती जी का सही है, महेंद्र जी का सही है, मधु जी का सही है, मर्जी जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है, अजय यादव जी का सही है, नेहा जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, बंटी जी का सही है, चंदन कुमार जी का सही है। चलिएगा ईशिका जी का भी सही है, चलिए शिवानी जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, दीपक जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी उड़ीसा में हाल ही में रज पर्व या राजा का पर्व जो मनाया गया है वो कहाँ मनाएगा, तो उड़ीसा में मनाया गया। अब उड़ीसा की बात आई है तो यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि हीरो टू एनुअल अवार्ड से जो सम्मानित किया गया वो यहाँ के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक है इनको प्रदान किया गया, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। उड़ीसा के गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल है, इसको ध्यान रखिएगा। और मोहम्मद रफीक जो यहाँ के क्या है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुखमलदिकली अलबी गाजी एब को बताइएगा कि किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं, बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बता दीजिएगा। दसवां नंबर क्वेश्चन फटाफट बता दीजिएगा, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा महेंद्र जी का सही है, बंती जी का सही है, ज्योति जी का सही है, जयप्रभा का सही है, दीपक जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, शिवानी जी का सही है, माधव जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, मजीद जी का सही है, ऐशिका जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, रिया जी का सही है। चलिए सभी लोग फटाफट बताइएगा, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा अश्विनी जी का सही है, चलिएगा। तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी किर्गिस्तान, यानी जो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए हैं किस देश के हैं, तो किर्गिस्तान के, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का कौन सा निर्माण क्षेत्र पूरी तरह डिजिटल हो गया है, बताइएगा। निर्माण क्षेत्र पूरी तरह डिजिटल, बताइएगा। चलिएगा वंदना जी का भी सही आंसर आया है, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ सभी लोग बढ़ जाइए। चलिएगा श्रुति शर्मा जी का सही आंसर है, मधु गुप्ता जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, महेंद्र कुमार जी का सही है, बंटी जी का सही है, रिया जी का सही है, शिवानी जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, मंटू जी का सही है, रणधीर जी का सही है, शिवानी जी का सही है। चलिए सभी लोग बताइए, नेहा जी का सही है, मनीष जी का भी सही है, चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, जयप्रभा का सही है, माधव जी का सही है। चलिए सभी लोग बताइएगा जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, चलिएगा। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा NHAI हाल ही में जो बना है वो क्या बना है, तो पूरी तरह इसको डिजिटल बना दिया गया है। NHAI का पूरा नाम आप लोग को पता होगा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, क्या होता है, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, या पूरी तरह क्या हो गया है, तो डिजिटल हो गया, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ऑपरेशन डेजर्ट चेंज किस राज्य में शुरू किया गया है, बताइएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा 12 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बता दीजिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, चलिएगा दीपक जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है, महेंद्र जी का सही है, चलिए कबीर सिंह जी का सही है, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिएगा चंदन जी का सही है, बंटी जी का सही है, चलिएगा चलिएगा सभी का, ईशिका जी का भी सही है, नेहा जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, राजस्थान। ध्यान दीजिएगा यानी हाल ही में राजस्थान में ऑपरेशन डेजर्ट चेंज प्रारंभ किया गया है। इसको प्रारंभ किस लिए किया गया है, जो भी अगर दूसरे देश के अगर आकर के अगर कोई गुप्तचर अगर भारत में अगर छुप जाता है तो उसको खोज निकालने के लिए इसको प्रारंभ किया गया, यानी ऑपरेशन डेजर्ट चेंज को प्रारंभ किया गया, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि राजस्थान की बात आई है, तो राजस्थान में एक हाल ही में प्रारंभ किया गया है स्वास्थ्य मित्र, जो प्रारंभ किया गया है स्वास्थ्य मित्र ऐप को प्रारंभ किया गया, और वहाँ पे हाल ही में स्माइल कार्यक्रम भी प्रारंभ किया गया था जो एजुकेशन से संबंधित है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में हनुमान जी का 25 फीट के ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है, बताइएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बता दीजिएगा सभी लोग, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। चलिएगा मधु जी का सही आंसर है, जयप्रभा का सही है, बंटी जी का सही है, दीपक जी का सही है, महेंद्र जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, जयप्रभा का सही है, शिवानी जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, नेहा जी का सही है, माधव जी का सही है, अजीत जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, रिया जी का सही है, ऐशिका जी का सही है, मनीष जी का सही है, चलिए सुधीर जी का सही है, अजीत जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, चंदन जी का भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी हाल ही में हनुमान जी के जो 25 फीट के मूर्ति का जो अनावरण किया गया है वो कहाँ में, तो यूएसए अमेरिका में इसको लॉन्च किया गया। अमेरिका का जो डेलावेयर एक शहर है, ध्यान दीजिएगा डेलावेयर खास स्थान है, वहीं पर इसको बनाया गया है। बनाया गया किस चीज़ से, तो ब्लैक ग्रेनाइट यानी काली जो ग्रेनाइट चट्टान है उससे बनाया गया है। इसका वजन लगभग कितना है, तो 30,000 किलोग्राम है। इसका जो वजन है लगभग कितना है, तो 30,000 किलोग्राम, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में संतोष झा किस देश के राजदूत बने हैं, बताइएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, फटाफट बता दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी लोगों का।
चलिएगा 14 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बता दीजिएगा। चलिए जय प्रभा का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, मनीष जी का सही है, बंटी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, मधु जी का सही है, मनीष जी का सही है। चलिएगा नेहा जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, कमलेश जी का सही है, महेंद्र कुमार जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, चंदन जी का भी सही है, अजीत जी का सही है, राम पुकार जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा करेक्ट, यानी बेल्जियम के हाल ही में संतोष झा जो राजदूत बने हैं वो किस देश के बने हैं, तो बेल्जियम के बने हैं। ब्रिटेन के हाल ही में बने हैं वो कौन बने, तो गायत्री कुमार बने हैं। फिनलैंड के हाल ही में बने हैं कौन, रवीश कुमार। और रोमानिया के कौन बने हैं, तो राहुल श्रीवास्तव बने हैं रोमानिया के। तो सभी ऑप्शन को आप लोग देख लिए, चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है, बताइएगा। सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट, 15 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिएगा, सभी लोग बताइएगा। चलिएगा 15 नंबर क्वेश्चन का, मधु जी का सही आंसर आया है। चलिएगा जया प्रभा का सही है, बंटी जी का सही है, नेहा जी का सही है, महेंद्र जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, शिवानी जी का सही है, कमलेश जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का सही है, रिया जी का सही है, ईशिका जी का सही है, स्मिता जी का सही है, चंदन जी का सही है, रणधीर जी का सही है, निधि जी का सही है, माधव जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, चंदन जी का सही है, अजीत जी का सही है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, शिवानी जी का भी सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, यानी सखरियार मामी देव रॉय जीता है, ध्यान दीजिएगा। यानी हाल ही में शारजाह ऑनलाइन जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप हुआ है उसको किसने जीता है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर 5 दिया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा पिछले 6 मंथ का 5 करंट अफेयर दिया जा रहा है, तो आप लोग ध्यान दे करके इसको आंसर दीजिएगा, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन तय हो जाएगा फिर, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा पावर का ब्रांड एंबेसडर किसे नियुक्त किया गया है, बताइएगा। हाल ही में बताइएगा कि टाटा पावर का बताइएगा, चलिएगा बताइएगा टाटा पावर का बताइएगा कि ब्रांड एंबेसडर किसे नियुक्त किया गया, फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा अश्विनी जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा जया प्रभा का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, बंटी जी का सही है, महेंद्र कुमार जी का सही है, रणधीर जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, बंटी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, रिया जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, नेहा जी का भी सही आंसर आया है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी शार्दुल ठाकुर को हाल ही में टाटा पावर का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान दीजिएगा और भी इसका ऑप्शन को देख लेते हैं, यानी विराट कोहली को आप लोग को पता होगा कि अमेरिकन टूरिस्टर का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया, करीना कपूर को हाल ही में बताया था कि पूमा कंपनी का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है, रोहित शर्मा को आप लोग को पता कि क्रिक किंगडम का ब्रांड एंबेसडर नियुक्त किया गया है, तो सभी का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा कि ऑस्कर अवार्ड, ध्यान दीजिएगा ऑस्कर अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे चुना गया था, बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए, चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा। ऑस्कर अवार्ड 2019 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म बताइएगा, अश्विनी जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा निधि जी का सही है, रणधीर जी का सही है, चलिएगा सुधीर जी का सही है आप लोग। चलिए पिछले 6 मंथ का, इस वजह से आप लोग ध्यान देकर के इसका आंसर कीजिएगा, जी जी का भी सही आंसर आया है, बंटी जी का सही है। चलिएगा नेहा जी का भी सही आंसर आया है, विनीता रानी जी का सही है, मजीद जी का सही है, शिवानी जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2019 का कहेगा तो ग्रीन बुक होगा, 2018 में द शेप ऑफ वाटर को दिया गया था, ध्यान दीजिएगा। और गली बॉय क्या था, यह भारतीय फिल्म था जिसको नामित किया गया था, ध्यान दीजिएगा यह भारतीय फिल्म था जिसको नामित किया गया था ऑस्कर अवार्ड के लिए, लेकिन इसको मिला नहीं था, इस बात को ध्यान रखिएगा। पिछले वर्ष न्यूटन को नामित किया गया था, इस वर्ष गली बॉय को नामित किया गया था, पिछले वर्ष द शेप ऑफ वाटर को मिला था, इस वर्ष ग्रीन बुक को मिला था। तो आप लोग ऑप्शन को ध्यान से समझिएगा कि ऑप्शन क्या कह रहा है, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा फिर। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि जैस्मिन डेज पुस्तक के लेखक, फटाफट बताइएगा जैस्मिन डेज पुस्तक के लेखक, बताइएगा। चलिएगा जैस्मिन डेज पुस्तक के लेखक फटाफट बताइएगा। बंटी जी का सही आंसर आया है, जयप्रभा का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिए राम पुकार जी का सही है, ज्योति जी का सही है, नेहा जी का सही है, माधव जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, ईशिका जी का सही है। चलिए मनीष आर्यन जी गुड इवनिंग। चलिए अस्मिता जी का सही है, दीपक जी का सही है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिए अजीत जी का भी सही है, मनीष जी का सही है, अमरजीत जी का भी सही है। चलिए तो ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी बेन्यामिन, हाल ही में जैस्मिन डे एक पुस्तक लिखा गया है वो किसके द्वारा, तो बेन्यामिन के द्वारा लिखा गया, ध्यान दीजिएगा। और एक पुस्तक नो स्पिन जो पुस्तक लिखा गया वो किसके द्वारा लिखा गया, तो शेन वॉर्न के द्वारा लिखा गया, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आईपीएल का जो टीम है दिल्ली कैपिटल, बताइएगा कि इसके मालिक कौन है, बताइएगा। आईपीएल का टीम है, बताइएगा दिल्ली कैपिटल, बताइएगा कि इसका मालिक कौन है, सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा रणधीर जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है। चलिए कोई बात नहीं, मनीष आर्यन जी,
चलिए बंटी जी का सही है, आयशिका जी का सही है, निधि जी का सही है, चलिए राम पुकार जी का सही है, शिवानी जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का सही है, ज्योति जी का सही है, नेहा जी का सही है, चलिएगा अजीत जी का भी सही आंसर आया, माधव जी का सही है, स्वीटी जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी जीएमआर ग्रुप जो दिल्ली कैपिटल का जो मालिक है वो कौन है, तो जीएमआर ग्रुप है, ध्यान रखिएगा जीएमआर ग्रुप। चलिएगा आज का करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद जीके जीएस के क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, तो बताइएगा वर्तमान में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, बताइएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट बताइएगा वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष बता दीजिएगा सभी लोग। चलिएगा बंटी जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, निधि जी का सही है, दीपक जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, शिवानी जी का सही है, महेंद्र कुमार जी का सही है, बंटी जी का सही है, रिया जी का सही है, अश्विनी जी का सही है। चलिएगा बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सभी का, माधव जी का सही है, कमलेश जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, चंदन जी का सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा अरविंद सक्सेना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आसिम खुराना जितने भी लगाए ध्यान रखिएगा पहले एसएससी के अध्यक्ष थे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष थे, पहले थे ये अभी है नहीं, तो आसिम खुराना बिल्कुल गलत जवाब होगा, अरविंद सक्सेना बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अरविंद सक्सेना का इस वर्ष यानी वर्ष 2020 तक इनका कार्यकाल बचा हुआ है, तो अभी वर्तमान में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो कौन है, अरविंद सक्सेना। चलिएगा अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़ा गया है, तो ये जीके जी इसका क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़ाया, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिएगा अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़ा गया, ध्यान दीजिएगा कि डेंगू ज्वर का कारण बताइएगा कि क्या होता है, 21 नंबर क्वेश्चन फटाफट बताइएगा। चलिएगा चलिए 21 नंबर का बताइएगा, वंदना जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा दीपक जी का सही है, सुधीर जी का सही है, चलिएगा मनीष जी का सही है, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, सुभाष जी का सही है, चलिएगा ज्योति जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, मधु जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑप्शन क्या आ जाएगा, तो ऑप्शन ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन का जितने भी ऑप्शन डी लगाएं सभी का आंसर सही है, ध्यान दीजिएगा। डेंगू ज्वर जो होता है वो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, वायरस के कारण होता है। मलेरिया जो होता है वो किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ के कारण होता है, और कालाजार भी होता है जो किसके कारण होता है, तो प्रोटोजोआ लीशमैनिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, तो ध्यान रखिएगा इसका यानी डेंगू ज्वर जो होता है वो किसके कारण, तो वायरस के कारण होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चेचक भी होता है तो वो भी वायरस के कारण ही होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन है कि थैलीसीमिया जो रोग है बताइएगा कि अनुवांशिकी रोग है, किसको प्रभावित करती है, बताइएगा थैलेसीमिया रोग फटाफट बता दीजिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का किसको प्रभावित करता है बताइएगा। चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आया है, सुधीर जी का सही है, दीपक जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, रिया जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, शिवानी जी का सही है, स्मिता जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, रणधीर जी का सही है, निधि जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, चंदन जी का सही है, चलिएगा लक्ष्मीकांत जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, आयशिका जी का सही है, बीना भारती जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी किसको प्रभावित करता है, तो ब्लड को प्रभावित करता है, यानी रुधिर उसी को कहते हैं, रुधिर को इंग्लिश में ब्लड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 22 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, चलिएगा इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, अदरवाइज गलत होगा, ध्यान दीजिएगा। अमूल्यन आयात को क्या करता है बताइएगा, अमूल्यन आयात को क्या करता है। चलिएगा मनीष जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए 23 नंबर क्वेश्चन का, फटाफट बता दीजिएगा 23 नंबर का। चलिएगा सुधीर जी का सही है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा तभी सही होगा। विनया भारती जी का सही है, बंटी जी का सही है, चलिएगा मधु गुप्ता जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, अस्मिता जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, कबीर सिंह जी का भी सही है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी अमूल्यन क्या होगा, ध्यान दिया अमूल्यन पर आयात क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अमूल्यन क्यों किया जाता है, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात क्या होगा तो सस्ता होगा, लेकिन यहाँ क्या करा कि आयात, आयात क्या हो जाएगा महंगा होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। आयात क्या होगा तो महंगा होगा, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब तक भारत में रुपयों का अमूल्यन हुआ 3 बार हुआ है, 1950, 1966, 1991। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था बताइएगा, बताइएगा 24 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बता दीजिएगा 24 का। चलिएगा जितने स्टूडेंट हैं सभी लोग बताइएगा, दीपक जी का सही आंसर आया, बीना भारती जी का सही है, वंदना जी का सही है, अजीत जी का सही है, मरजीत जी का सही है, चंदन जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, शिवानी जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, कमलेश जी का सही है, नेहा जी का सही है, चलिएगा रणधीर जी का भी सही है, विनीता रानी जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, बंटी जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, रिया जी का सही है, रवि रजक जी का सही है। चलिए सभी का आंसर सही आ रहा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी हर्षवर्धन जो प्रत्येक 5 वर्ष पर ध्यान दीजिएगा अपना जो धन दान किया करता था वो कहाँ में, तो प्रयागराज में किया करता था, जिसको इलाहाबाद नाम रखा गया था, लेकिन फिर से क्या कर दिया गया, तो उसको प्रयागराज ही कर दिया गया। यहाँ पे कुंभ मेला का भी आयोजन किया जाता है, यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, भी ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, संसदीय व्यवहार में शून्यकाल बताइएगा कि दखल जो भारत में शुरू हुआ था कब से हुआ था बताइएगा। 25 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिएगा सभी लोग आंसर, फटाफट बता दीजिएगा 25 नंबर का।
चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, मनीष आर्यन जी का सही है, शिवानी जी का सही है, दीपक जी का सही है, जयप्रभा का सही है, अमरजीत जी का सही है, चंदन जी का सही है, कमलेश जी का सही है, नेहा जी का सही है, बंटी जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, रिया जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, रविरंजन जी का भी सही है, सुधीर जी का सही है। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी 1962 में जो आया था, यानी शून्यकाल। बता दीजिएगा शून्यकाल किस देश की देन है, आप लोग कमेंट में फटाफट बता दीजिएगा, फटाफट कमेंट में बताइएगा शून्यकाल किस देश की देन है, बताइएगा शून्यकाल किस देश की देन है, फटाफट बताइएगा। 1962 में अपनाया गया भारत में, बता दीजिएगा किस देश की देन है, फटाफट बताइएगा शून्यकाल, बताइएगा जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिएगा चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए, बंटी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, जयप्रभा का भी सही आंसर आया है, और बताइएगा शिवानी जी का सही है, चंदन जी का सही है, अजीत जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, रिया जी का सही है, मनीष आर्यन जी का भी सही है। तो ध्यान दीजिएगा, यह भारत का देन है। ध्यान दीजिएगा, शून्यकाल की अगर चर्चा किया जाएगा तो भारत का देन है, शून्य अगर बजट का यहाँ पे चर्चा अगर किया जाता ना, बजट अमेरिका का देन है। ध्यान दीजिएगा, बजट अगर कहेगा कि शून्य बजट किस देश की देन है, तो ये अमेरिका का देन है। यानी शून्य बजट का अर्थ क्या होता है कि हर बार नए सिरे से बजट को पेश करना, तो ये अमेरिका का देन बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे शून्यकाल है, तो ध्यान दीजिएगा शून्यकाल भारत की देन है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार बताइएगा कि किस विषय में नहीं दिया जाता है, बताइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, सभी लोग बता दीजिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। चलिएगा, बंटी जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, सुधीर जी का सही है, दीपक जी का सही है, चलिएगा अमरजीत जी का भी सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, जयप्रभा का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, रवीश जी का सही है, मनीष जी का सही है, रिया जी का सही है, ज्योति जी का सही है, शिवानी जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, महेंद्र जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, मंटू जी का सही है। चलिए, तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिए, यानी गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, गणित का नोबेल एक कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यानी एबेल प्राइज को गणित का नोबेल कहा जाता है, लेकिन ये नोबेल पुरस्कार है नहीं। ध्यान दीजिएगा, गणित के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। नोबेल प्राइज प्रारंभ कब हुआ था, तो 1901 में प्रारंभ हुआ था, इस बात को ध्यान रखिएगा। नोबेल पुरस्कार दिया जाता है कहाँ, तो शांति के क्षेत्र में नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में, लेकिन बाकी जो पांच क्षेत्र में दिया जाता है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नोबेल प्राइज दिया जाता है 10 दिसंबर को। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन कहा जाता है, बताइएगा। प्रति व्यापारिक पवन बताइएगा 27 नंबर का। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, जयप्रभा का सही आंसर आया है, और बताइएगा। चलिएगा, बीना भारती जी का सही है, विनीता रानी जी का सही है। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिए, अस्मिता जी का भी सही आंसर आया, रणधीर जी का सही है, मंटू जी का सही है, ज्योति जी का सही है, मंटी जी का सही है, कमलेश जी का सही है, सुषमा जी का सही है, और बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। नेहा जी का भी सही आंसर है, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी पश्चिमी पवन। पछुआ पवन को और किस नाम से जाना जाता है, तो गरजता चलीसा के नाम से इसको जाना जाता है। गरजता चलीसा, इसको पछुआ पवन कई नाम से जानते हैं, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपात्र है जिसका विकास भारत में ही किया गया है, बताइएगा। 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा सुमिरन जी, थोड़ा सा पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग फटाफट बताइएगा 28 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा, बंटी जी का सही है, दीपक जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, रवीश जी का सही है, विजय जी का सही है, शिवानी जी का सही है, कमलेश जी का सही है, नेहा जी का सही है, मजीद जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, रिया जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, विनीता रानी जी का सही आंसर आया है। चलिएगा, सुषमा जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है। चलिए, तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी पृथ्वी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, पृथ्वी। यानी पृथ्वी जो था भारत का प्रथम प्रक्षेपात्र था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, जिसका विकास भारत में ही किया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है, बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट, यानी कौन सा ऐसा कर है जिसे कीमत में वृद्धि नहीं होता है, बताइएगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। चलिएगा, वंदना जी का सही आंसर आ गया है, बताइएगा। और बताइएगा सभी लोग, अपना अपना आंसर देख करके आंसर नहीं देना, ध्यान दीजिएगा। रविरंजन जी का भी सही है, दीपक जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, चलिएगा, विनीता रानी जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, रिया जी का सही है, चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, सुधीर जी का भी सही है, चलिए, ज्योति जी का भी सही है, राम पुकार जी का भी सही है। चलिए, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आयकर जो होता है आयकर से होता है, यानी कीमत में वृद्धि पर प्रभावित नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, यानी आयकर जो होता है किसी व्यक्ति के इनकम पर लगता है, तो उससे कीमत में वृद्धि किसी वस्तु से तो वृद्धि है नहीं। अगर यही अगर ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी अगर दूसरे चीज पर जैसे बिक्री कर पर अगर टैक्स बढ़ा दिया जाए तो वस्तु पर बढ़ जाएगा, उत्पादन शुल्क अगर बढ़ा दिया जाए तो वस्तु का कीमत बढ़ जाएगा, लेकिन आयकर अगर कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपया कमा रहा है उस पर अगर 10% 15% टैक्स लगने लगेगा तो उसे वस्तु पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कोई भी प्रभाव तो नहीं पड़ेगा।
चलिएगा, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आयकर बताइएगा किस समिति के सिफारिश पर लगाया था, बताइएगा आयकर बताइएगा किस समिति के सिफारिश पर लगाया गया था, बताइएगा आयकर को बताइएगा किस समिति ने सिफारिश किया था लगाने के लिए, सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा कमेंट में। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, ऑफलाइन क्लास में बहुत बार मैंने बताया हूँ। चलिएगा चलिएगा आयकर बताइएगा किस समिति के सिफारिश पर लगाया गया था, सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा चलिएगा, तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं क्योंकि टाइम का इस समय अभाव है। ध्यान दीजिएगा कोल्डेयर आयोग, कोल्डेयर आयोग के सिफारिश पे लगाया गया था। ध्यान दीजिएगा आप लोग याद रखिएगा, कोल्डेयर आयोग के सिफारिश पे जो लगाया गया था वो कौन सा, तो आयकर लगाया गया था। वो किस समिति के सिफारिश पे, तो कोल्डेयर आयोग के सिफारिश पे लगाया गया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कोल्डेयर आयोग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा एलके झा, आप लोग बता रहे हैं एलके झा से सेवा कर लगा था। ध्यान दीजिएगा सेवा कर जो लगा था वो एलके झा के सिफारिश पे लगा था। ध्यान दीजिएगा जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि लिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है, बताइएगा। सभी का आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट बता दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए 30 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा 30 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा जया प्रभा का सही है, रिया जी का भी सही है, दीपक जी का सही है, निधि जी का सही है, बंटी जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, सुभाष जी का सही है, रवीश जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, विनीता राम जी का सही है, सुषमा जी का सही है, सुभाष जी का सही है, ज्योति जी का सही है, चंदन जी का सही है, कमलेश जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का सही है, रवीश जी का सही है, विजय जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी जनसंख्या से यानी प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या होता है, तो राष्ट्रीय आय और देश की जो जनसंख्या होता है उससे भाग दिया जाता है, तब क्या निकलता है, तो प्रति व्यक्ति आय निकलता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुशीर वाद्य यंत्र है, बताइएगा। सुशीर वाद्य यंत्र बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट। चलिएगा जिनका नाम ले ले तो दोबारा आंसर नहीं दीजिएगा क्योंकि जो लास्ट वाले होते हैं उनका नाम पता नहीं चल पाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। चलिएगा सभी लोग कोऑपरेट कीजिए। चलिए बंटी जी का सही है, दीपक जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, छोटू जी का सही है, रिया जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, सुधीर जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, सुभाष जी का सही है, रवीश जी का सही है, कमलेश जी का सही है, रणधीर जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, रवीश जी का सही है, महेंद्र जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का भी सही है। चलिए तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा नाद स्वरम या बांसुरी उसको कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा सुशीर वाद्य यंत्र कौन सा, तो ध्यान दीजिएगा बांसुरी है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र ध्यान दीजिएगा कौन सा, तो बीना है। कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग बजाया जा सकता है, तो बांसुरी ऐसा वाद्य यंत्र है जिस पर सभी राग को बजाया जा सकता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आंसर देने में, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जिनका नाम एक बार बोल दिया जाए तो वो फिर से बार बार आंसर नहीं दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाद वाले का नाम नहीं पता चल पाता, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए आप लोग। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि ओलंपिक खेलों में भारत ने प्रथम बार स्वर्ण पदक किस पर जीता था, बताइएगा भारत, बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, भारत प्रथम बार। चलिए अमरजी जी का सही है, निधि जी का सही है, रवि जी का सही है, रिया जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, चंदन जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, बंटी जी का सही है, सुभाष जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, रवीश जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, आयिष्का जी का सही है, मनीष जी का सही है, कमलेश जी का सही है। चलिए तो सभी का आंसर आना चाहिए, अस्मिता जी का सही है, चंदन जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का भी सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा प्रथम बार जो जीता था वो कब जीता था, तो 1928 में जीता है। आखिरी बार कब जीता है, तो 1980 में जीता है। अब तक कितना बार जीता है, तो 8 स्वर्ण पदक जीत चुका है भारत हॉकी में, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम पोटिन मुद्रा को जारी किया था, बताइएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। ध्यान दीजिएगा 33 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बता दीजिएगा सभी लोग। चलिएगा अमरजीत जी का सही आंसर आया है। चलिएगा अमरजीत जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, दीपक जी का सही है, सुधीर जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, शिवानी जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, कमलेश जी का भी सही है, रिया जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, मनीष जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का सही है, निधि जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, सुषमा जी का सही है, महेंद्र कुमार जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है। चलिए तो सभी का आंसर ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सातवाहन। ध्यान दीजिएगा यानी सातवाहन ने सर्वप्रथम पुटीन मुद्रा जो चलाया था वो किसने चलाया था, तो सातवाहन। सातवाहन वंश के संस्थापक आप सभी को पता है कि सीमुख है, इसकी जो राजधानी थी वो कहाँ थी, तो प्रतिष्ठान। ध्यान दीजिएगा प्रतिष्ठान यानी जिसके पास सातवाहन यानी सात गाड़ी रहेगा, तो ऐसे भी क्या होगा, तो प्रतिष्ठा उसका अधिक रहेगा, तो ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक्स के माध्यम से। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। ध्यान दीजिएगा कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है, 34 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा फटाफट। चलिएगा कुचिपुड़ी 34 नंबर का बताइएगा। चलिएगा बंटी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, दीपक जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, रिया जी का सही है, रविरंजन जी का सही है,
चलिए अमरजीत जी का सही है, सुधीर जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, रणधीर जी का सही है, कमलेश जी का सही है, सुभाष जी का सही है, जयप्रभा का सही है, ज्योति जी का सही है, सुषमा जी का सही है, रवि जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, छोटू जी का सही है, राम पुकार जी का सही है। चलिए अमरजीत जी का भी सही है, बीना भारती जी का सही है। चलिएगा अस्मिता जी का भी सही है। चलिए तो आंसर कहा जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी कुचिपुड़ी नृत्य का जो उद्भव हुआ है वो किस राज्य में हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा आंध्र प्रदेश से हुआ है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि पी हरिकृष्ण निम्नलिखित में से संबंधित है, बताइएगा किस खेल से, बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा मस्ती रेड जी का भी सही आंसर था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। सभी लोग बताइएगा 35 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा पी हरिकृष्ण बताइएगा कि किस खेल से संबंधित है। चलिएगा दीपक जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, कमलेश जी का सही है, रवीश जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, सुभाष जी का सही है, सुषमा जी का सही है, जयप्रभा का सही है, रवीश जी का सही, अस्मिता जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। नेहा जी का भी सही है, महेंद्र जी का सही है, रिया जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा शतरंज पी हरिकृष्ण जो संबंधित है वो शतरंज से। आप सभी को तो मैग्नस कार्लसन भी संबंधित है शतरंज से ही, विश्वनाथन आनंद भी जो संबंधित है वो शतरंज से ही है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है, बताइएगा। सभी का आंसर आ जाना चाहिए, बताइएगा बार बताइएगा किसकी इकाई है, सभी लोग फटाफट बताइएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा। चलिएगा दीपक जी का सही आंसर आया है, रिया जी का सही है, जयप्रभा का सही है, चलिए अमरजीत जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, बंटी जी का सही है, निधि जी का सही है, रणधीर जी का सही है, सुषमा जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है। चलिएगा कमलेश जी का सही है, ज्योति जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, लक्ष्मीकांत जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, मंटू जी का भी सही है, शिवानी जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी दा बराबर क्या होता है, यानी पृष्ठ के लंबवत बल, यानी एफ बटा ए होता है, यानी पृष्ठ के लंबवत बल बटा पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ध्यान दीजिएगा अब दाब कब आता है, तो दाब जो होता है इसका एसआई मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसे और क्या कहते हैं, तो इसको पास्कल भी कहा जाता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव वर्मा बनवाया था, बताइएगा किस राजवंश से संबंध रखता है, बताइएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपके के ऊपर आ गया, बताइएगा बताइएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन का, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए 37 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए, आप लोग अपना आंसर दिया कीजिएगा, मैं बार बार बताता हूं। चलिएगा चलिएगा मंटू जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा कबीर सिंह जी का सही है। चलिएगा तो आंसर कितना बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यानी गंगवंश, ध्यान दीजिएगा शाही गंगवंश जो था उसे कोणार्क मंदिर का जो निर्माण किया गया था नरसिंह देव वर्मा देव प्रथम जो थे वानी किस वंश से, तो गंगवंश से संबंध रखता है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जितने भी लगाए सभी का आंसर सही आ रहा है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है, बताइएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा, 38 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। चलिएगा अमरजीत जी का भी सही आंसर आया है, निधि जी का सही है, दीपक जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, चलिएगा जयप्रभा का सही है, अश्विनी जी का सही है, कमलेश जी का सही है, राम पुकार जी का सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी कार्बोहाइड्रेट, नेहा जी का भी सही आंसर आया है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया। ध्यान दीजिएगा 39 नंबर क्वेश्चन, मल्लिकापुर किसका जनरल था, बताइएगा। मल्लिकापुर बताइएगा कि किसका जनरल था, सभी लोग बता दीजिएगा, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा नेहा जी का सही है, जयप्रभा का सही है, अश्विनी जी का सही है, वंदना जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, शिवानी जी का सही है, रिया जी का सही है, निहिर जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है। चलिएगा जयप्रभा का सही, धर्मेंद्र जी का भी सही, अस्मिता जी का भी सही। चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी मल्लिकापुर किसका था, तो ध्यान दीजिएगा यानी अलाउद्दीन खिलजी का था। ध्यान रखिएगा हजार दिनारी के नाम से किसको जाना जाता है, तो मल्लिकापुर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हजार दिनारी के नाम से किसे जाना जाता है, तो मल्लिकापुर को जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी आप लोग को पता है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली प्रारंभ किया था, और ये जो नियमित जो सेना रखा था वो किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में रखा था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय, बताइएगा किसे दिया जाता है, बताइएगा। दक्षिण भारत में बताइएगा जैन धर्म ले जाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है, बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग फटाफट बताइएगा। चलिएगा ज्योति जी का सही है, बंटी जी का सही है, दीपक जी का सही है, जयप्रभा का सही है, शिवानी जी का सही है,
चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। ज्योति जी का भी सही है, रविरंजन जी का सही है, रणधीर जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, सुधीर जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, शिवानी जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, चंदन जी का सही है, छोटू जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में यानी जैन धर्म ले जाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? तो भद्रबाहु को जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी होगा। ध्यान दीजिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर इन्हीं से बटा था, यानी स्थूल भद्र और भद्रबाहु दोनों बटे थे, तब क्या हो गया था? जैन धर्म में विभाजन हुआ था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर पड़ा था, बताइएगा कि किसके कमांड में थी? बताइएगा किसके कमांड में थी? बताइएगा कि जो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी, बताइएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिएगा सभी लोग फटाफट। 41 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, सुभाष जी का सही आंसर आया है, अमरजीत जी का भी सही है, कबीर सिंह जी का सही है, दीपक जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है। चलिएगा, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, चलिएगा नेहा जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा अमरजीत जी का सही है, रिया जी का सही है। चलिएगा, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, नीलक्ष्मी सहगल के कमांड में थी। ध्यान दीजिएगा, यानी आजाद हिंद फौज की जो महिला अरेंजमेंट थी, यानी उसकी जो लक्ष्मी सहगल इसकी कमांड में थी, लक्ष्मी सहगल के कमांड में रानी लक्ष्मी अरेंजमेंट थी। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? बताइएगा, 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा। सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट, बताइएगा। चलिए, 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। चलिएगा, अमरजीत जी का सही है, दीपक जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, सुभाष जी का सही है, शिवानी जी का सही है, बंटी जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, निधि जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, छोटू जी का सही है, कमलेश जी का सही है। चलिए, रवि रजक जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, महेंद्र जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है और इसमें जो द्वीप की संख्या जो सर्वाधिक है, ध्यान रखिएगा। इसका जो प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है उसे किस नाम से जानते हैं? तो मेरियाना गर्त के नाम से इसको जानते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओजोन का निर्माण बताइएगा कहाँ होता है? ओजोन का निर्माण बताइएगा किस मंडल में होता है? 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा सभी लोग फटाफट। चलिएगा बंटी जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, ज्योति जी का सही है, निधि जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है। चलिएगा, जयाप्रभा का सही है, राम पुकार जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, सुभाष जी का सही है, शिवानी जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, महेंद्र जी का सही है, मस्ती रेड जी का सही है, अस्मिता जी का भी सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी समताप मंडल में होता है। ध्यान दीजिएगा, समताप मंडल में ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? समताप मंडल में। एक बहुत महत्वपूर्ण होता है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होता है इसमें जितने भी जो बादल रहते हैं या वायुमंडल संबंधी जितने भी घटनाएं होती है वो किस मंडल में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के सबसे निचला जो मंडल होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। बताइएगा केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान बताइएगा कहाँ स्थित है? बताइएगा केंद्रीय चावल या धान अनुसंधान केंद्र बताइएगा सभी लोग फटाफट। चलिएगा, बंटी जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा जयाप्रभा का सही है, अमरजीत जी का सही है, दीपक जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, रिया जी का सही है। चलिएगा, बीना भारती जी का सही है, सुभाष जी का सही है, ज्योति जी का सही है, कमलेश जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, रणधीर जी का भी सही है। चलिएगा, नेहा जी का भी सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी कटक है। कटक कहाँ पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, यानी केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो कटक में। केंद्रीय अगर औषधि अनुसंधान केंद्र कहेगा तो लखनऊ में। होम्योपैथी संस्थान अगर कहेगा तब कहाँ? तो कोलकाता में। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा, चीनी तकनीकी अनुसंधान केंद्र कहेगा तब कानपुर में है। ध्यान रखिएगा, गन्ना अनुसंधान केंद्र कोयम्बटूर में है। रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ? तो बेंगलोर में। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जौहरी रूज बताइएगा कि क्या है? जौहरी रूज बताइएगा कि क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा। जौहरी रूज बताइएगा क्या है? 45 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा, सभी का आंसर आ जाना चाहिए फटाफट, बताइएगा 45 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा, चंदन जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा। चलिए, सुभाष जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, अमरजीत जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, जौहरी रूज के नाम से किसको जानते हैं? फेरिक ऑक्साइड को जानते हैं जौहरी रूज के नाम से। चलिएगा, रवि रजक जी का भी सही है, मस्ती रेड जी का भी सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर आप लोग दीजिएगा। बताइएगा, प्रारंभिक जो मध्यकालीन भारत में जीतल जो शब्द था बताइएगा कि क्या था? बताइएगा, जीतल शब्द का संबंध बताइएगा कि किस चीज़ से है? 46 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया है, बताइएगा। चलिएगा, बंटी जी का सही है, मर्जी जी का सही है। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। शोभित शरण जी का सही आंसर आया है, दीपक जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, ज्योति जी का सही है,
नेहा जी का सही है, रविरंजन जी का भी सही है, रिया जी का सही है, चलिए धर्मेंद्र जी का भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, जीतल क्या था, तो ये सिक्का से इसका संबंध था, ध्यान दीजिएगा। जीतल से किस चीज़ का संबंध था, तो सिक्का से संबंधित था, ये ध्यान दीजिएगा। यानी चांदी को क्या कहा जाता था, टका कहा जाता था, चांदी का टका होता था और तांबे का जो होता था यानी जीतल होता था, इल्तुतमिश ने चलाया था। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, किसने चलवाया था, इल्तुतमिश ने चलवाया था, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया, बताइएगा बताइएगा, रक्त के निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर में बताइएगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी शरीर को रक्षा करता है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है, बताइएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, बंटी जी का सही आंसर आया है, रिया जी का सही है, दीपक जी का सही है, बीना भारती जी का सही है। चलिएगा, रवि रजक जी का सही है, रणधीर जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, सुमिरन जी का सही है, बंटी जी का सही है, अनिशा गुप्ता जी का सही है, अश्विनी जी का सही है। चलिएगा, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी इसको क्या कहा जाता है, WBC। मैंने बताया था कि RBC का जो होता है, RBC क्या करता है, तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होता है उसका परिवहन करता है। WBC का कार्य क्या है, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। अगर WBC अगर मानव शरीर में अगर समाप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा, बाहरी आक्रमण रोगों का बढ़ जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। RBC का कार्यकाल अगर पूछा जाएगा तो 20 दिन से 120 दिन होता है, ध्यान रखिएगा। जो WBC होता है इसका जो होता है 1 से 4 दिन होता है इसका जीवन काल, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। जब कहीं पे कट छंट जाता है तो ध्यान रखिएगा, पहले पानी की तरह निकलता है तो क्या होता है, तो WBC होता है। यानी कहीं पे कट छंट जाता है तो WBC पहले निकलता है, उसके बाद RBC आता है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस कृष्णदेव राय का अमुक्त मलयाद किस भाषा में लिखा गया है, बताइएगा। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा। सभी लोग का आंसर आना चाहिए, जितने भी स्टोन जुड़े हुए हैं। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। 48 नंबर क्वेश्चन का, चलिएगा, बीना भारती जी का सही आंसर आया है। चलिएगा, शिवानी जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, रणधीर जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, अनिशा गुप्ता जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, आनंद कुमार जी का सही है, मस्ती रेड जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, अश्विनी जी का सही है। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, नेहा जी का सही है, दिव्या ज्योति जी का सही आंसर आया है। और बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। आयिष्का जी का भी सही है। चलिए, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी होगा। यानी तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय जो अमुक्त मलयाद लिखे हैं वो किस भाषा में, तो तेलुगु भाषा में लिखे हैं। और तुलु जो वंश के जो महान शासक थे वो कौन थे, तो कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के अगर पूछा है किस वंश से संबंध रखते हैं, तो तुलु वंश है। ऐसा विजयनगर में शासन किए हैं, तो विजयनगर का अगर स्थापना या किसने किया था, तो हरिहर एवं बुक्का ने किया था। वो कब किया था, 1336 में किया था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। विजयनगर तुंगभद्रा नदी के तट पे है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अकबरनामा निम्नलिखित भागों में से किसने आईने अकबरी कहा जाता है, बताइएगा कि अकबरनामा का जो है यानी निम्नलिखित में से कौन से भाग में जिसे आईने अकबरी कहा जाता है, बताइएगा। 49 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा। सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। चलिए, पुरुषोत्तम जी का सही आंसर है, शोभमित सरन जी का सही आंसर है, और बताइएगा। चलिएगा, निधि जी का सही है। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए, मस्ती रेड जी का सही है, चंदन जी का सही है, बंटी जी का सही है। चलिएगा, तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, 49 नंबर का। यानी अकबरनामा के तृतीय भाग को आईने अकबरी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अकबरनामा के तृतीय जो भाग है उसको क्या कहा जाता है, तो आईने अकबरी। आईने अकबरी के लेखक आप सभी को पता है कि अबुल फजल। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया था, बताइएगा। स्वदेशी प्रस्ताव को बताइएगा कि किस अधिवेशन में अपनाया था, सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, दिव्या ज्योति जी का सही है, वंदना जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, निधि जी का सही है, दीपक जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, शिवानी जी का भी सही आंसर आया है, ज्योति जी का सही है। चलिएगा, नेहा जी का सही आंसर है, पुरुषोत्तम जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, रवि रजक जी का भी सही है। चलिए, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी बनारस अधिवेशन जो हुआ था 1905 में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1905 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, 50 क्वेश्चन हम लोग का हो गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 50 क्वेश्चन हो गया अभी तक। जितने भी आप लोग लाइक नहीं किए वीडियो को, तो आप लोग लाइक एक बार कर दिया कीजिएगा। चलिएगा, आयशिका जी बोल रहे हैं कि मेरा कमेंट नहीं आ रहा, कमेंट तो आ रहा है, लेट से आ रहा है, थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, एक बार पेज को रिफ्रेश करके आप लोग दिया कीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है कमेंट आप लोग का। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने एक तरफ
संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए, फटाफट बता दीजिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सिंह पर आ गया, ध्यान दीजिएगा 51 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा 51 नंबर क्वेश्चन का फटाफट बता दीजिएगा सभी लोग। चलिएगा, बारिश बहुत तेज हो रही है तो इस वजह से भी नेट का प्रॉब्लम हो रहा है। चलिएगा, तो इसका आंसर की तरफ बढ़िएगा, आप लोग का आंसर सही नहीं आ रहा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा महमूद गजनवी, यानी किसने एक तरफ संस्कृत के यानी मुद्रा लेख और साथ में चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? तो ध्यान दीजिएगा महमूद गजनवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी जितने भी लगाए हैं सभी का आंसर सही होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा उसके बाद आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिएगा 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया, ध्यान दीजिएगा कि भारत में सबसे ऊंची जैन जो गुमतेश्वर की प्रतिमा है बताइएगा कहाँ स्थित है? जैन सत जो गुमतेश्वर है, गुमतेश्वर की मूर्ति बताइएगा कहाँ स्थित है? 52 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अमरजीत जी का सही है, शिवानी जी का सही है, रिया जी का भी सही है, अमरजीत जी का सही है, पुरुषोत्तम जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, ज्योति जी का सही है, चंदन जी का सही है, मधुगुप्ता जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, रामपुकार जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, सौम्य शरण जी का सही है, कमलेश जी का भी सही है, चंदन जी का भी सही है, चलिए सुधीर जी का भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन इसका सी होगा, यानी श्रवण बेलगोला कर्नाटक। आप लोग नाम सुने होंगे, किस चीज़ से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जैन संत जो गुमतेश्वर की प्रतिमा है वो कहाँ स्थित है? तो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत करवाई थी? बताइएगा अंग्रेजी पढ़ाई की शुरुआत, बताइएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो नॉर्मलाइजेशन तय है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। चलिएगा हमें, चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा वंदना जी का सही आंसर आया है। चलिएगा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग ध्यान दे करके दीजिए, अदरवाइज नॉर्मलाइजेशन इस क्वेश्चन में तय है। क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है। कबीर सिंह जी का सही है, दीपक जी का सही है, सुधीर जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या करा, ध्यान दीजिएगा। अंग्रेजी की पढ़ाई शुरुआत करवाई, लाने का श्रेय जाता है लॉर्ड मैकाले को, यानी अंग्रेजी शिक्षा लाने का भारत में श्रेय जाता है किसे? तो लॉर्ड मैकाले को लाने का श्रेय जाता है। लागू करने का श्रेय यहाँ पे पूछ रहा था, लागू करने का श्रेय लॉर्ड विलियम मेंटी को लागू किया जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। लॉर्ड विलियम मेंटी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। लागू करने के लिए पूछ रहा है, लॉर्ड विलियम मेंटी यहाँ पे होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर कह देता कि कौन लाया था, तब मैकाले बिल्कुल करेक्ट होगा, लेकिन यहाँ पे लागू करने के लिए कह रहा, ध्यान दीजिएगा, यानी शुरुआत करने के लिए कह रहा, तो लॉर्ड विलियम मेंटिक होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी वजह से तो बोलते हैं कि क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ा कीजिए। चलिएगा मराठा शासन के आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की जो सर्वाधिक जो प्रचलित इकाई थी, बताइएगा कि कौन सी इकाई थी? बताइएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन पे। चलिएगा वंदना जी का सही आंसर आया है, राम पुकार जी का सही है, और बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए। बीना भारती जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। स्वीटी राय जी का सही आंसर आया है, अमरजीत जी का सही है, बंटी जी का सही है, ज्योति जी का सही है, रवि रजक जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी मराठा शासन में आरंभिक दशकों में भू राजस्व मापने की जो सर्वाधिक जो प्रचलित इकाई थी वो कौन सी इकाई थी? तो काठी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अब मराठा की बात आई है तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो शिवाजी। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो कोंडदेव, ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सिंह को पर आ गया, ध्यान दीजिएगा कि मार्च 1784 में मंगलोर संधि किसके प्रभाव में हुई थी? बताइएगा मंगलोर जो संधि हुआ था वो किसके प्रभाव में हुआ था, किस व्यक्ति के प्रभाव में हुआ था? बताइएगा 55 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहां से। चलिएगा 100 क्वेश्चन हम लोग का करना है, अभी भी 45 क्वेश्चन बचा हुआ है। चलिएगा मनीष आर्यन जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा जितने अभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए।
चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा लॉर्ड मैकार्टने होगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका डी होगा, लॉर्ड मैकार्टने बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यानी 1784 जो मैंगलोर की संधि हुआ था, ध्यान दीजिएगा यानी किसके किसके बीच हुआ था, तो आप लोग को पता है कि मैंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आए कौन सा, यानी द्वितीय जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, यानी 1780 से लेकर के 1784 जो हुआ था, एक ही संधि तो मैंगलोर के संधि के तहत समाप्त हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, तो लॉर्ड मैकार्टने के द्वारा किया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का नाम क्या था, बताइएगा। सभी का आंसर आ जाना चाहिए, 56 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, चलिए ज्योति जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, और बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए, जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, चलिएगा रिया जी का सही है। यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ गया, आप लोग ध्यान देकर के दीजिएगा। कबीर सिंह जी का सही है, चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा यानी तारा उसका नाम था, ध्यान दीजिएगा। यानी बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के अंतर्गत जो बुद्ध बोधिसत्व की पत्नी का नाम था वो क्या था, तो उसका तारा नाम था, ध्यान दीजिएगा। अब विश्व दुखों से भरा है गौतम बुद्ध, इसको प्राप्त किए थे कहाँ से, तो उपनिषद से प्रारंभ किए थे। गौतम बुद्ध के यानी प्रथम जो उपदेश दिए थे वो कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। इसको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुमार संभवम, बताइएगा कुमार संभवम में किसके जन्म का वर्णन मिलता है, बताइएगा। 57 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा इसका जी पेज को रिफ्रेश एक बार कर लीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, सौमी शरण जी का सही था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा सभी लोग। चलिए नवीन जी का सही है, रिया जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, मरजीत जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, सुधीर जी का सही है, दिव्या ज्योति जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, नवीन जी का सही है, महेंद्र जी का सही है, पुरुषोत्तम जी का सही है, स्वीटी राज जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा यानी कार्तिकेय। कुमार संभवम में जो जन्म का जो जिक्र मिलता है वो किसका मिलता है, तो ध्यान दीजिएगा कार्तिकेय का जन्म का वर्णन मिलता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुमार संभवम के लेखक आप सभी को पता है कि कालिदास इसके लेखक हैं, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में आपातकालीन जो संबंधी जो प्रावधान लिया गया है, बताइएगा वह किस देश के संविधान से प्रभावित है, बताइएगा। 58 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, बताइएगा 58 नंबर क्वेश्चन का, बताइएगा आपातकालीन उपबंध, बताइएगा। चलिएगा नवीन जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा बीना भारती जी का सही है, चलिएगा पुरुषोत्तम जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, स्वीटी राज जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, दिव्या ज्योति जी का सही है, अनिष्ठा जी का सही, अनिशा जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, मर्जी जी का सही है, मस्ती रेड जी का सही है, मधु जी का सही है, मस्जिद जी का सही है, सुधीर जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यानी कहाँ से लिया गया, तो आपातकालीन उपबंध जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी के संविधान से लिया गया, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे अगर वित्तीय आपात अगर कर देता तो ध्यान दीजिएगा वित्तीय आपात जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। वित्तीय आपात की चर्चा होगा तब अमेरिका से लिया गया, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होना चाहिए, बताइएगा। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए बताइएगा कि लोकसभा में बताइएगा कि सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए, चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा सुरेंद्र जी का सही आंसर आया है, चलिएगा और बताइएगा स्वीटी राय जी का सही है, चलिए सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा। चलिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आना चाहिए। रविरंजन जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, चलिए शिवानी जी बोल रहे हैं कि बफरिंग हो रहा है, चलिएगा अश्विनी जी का सही है, पुरुषोत्तम जी का सही है, दिव्या ज्योति जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए, तो ऑप्शन इसका ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी 50 होना चाहिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ध्यान दीजिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। इंडिया कंपनी के बताइएगा कि किस विधेयक के द्वारा यूरोपीय समुदाय को दंडाधिकारी तथा आपराधिक न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त किया गया, बताइएगा। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोगों का। चलिएगा इसी का जी थोड़ा सा फास्ट कीजिए, पेज को रिफ्रेश कीजिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ, सभी लोग बढ़ जाइए, सभी लोग फटाफट।
चलिएगा तो आप सभी का आंसर गलत आ रहा है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा 1882 इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने के जो 1882 जो विधेयक था इसके द्वारा क्या था तो यूरोपीय समुदाय का जो दंडाधिकारी था तथा आपराधिक न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार से क्या किया गया था तो इसको मुक्त किया गया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा 1882 इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि भारत में दासों के निर्यात पर बताइएगा कि किसने प्रतिबंध लगाया था। 61 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा सभी लोग बताइएगा 61 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा चलिएगा ईमानदारी से सभी लोग जवाब दीजिएगा। जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, 40 स्टूडेंट अभी बने हुए हैं, तो सभी लोग एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं आप लोग शेयर नहीं करते हैं। चलिए दिव्या ज्योति जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा। चलिएगा नवीन जी का सही है। क्वेश्चन का लेवल लग रहा है कि थोड़ा सा टफ जा रहा है क्योंकि चलिएगा चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। पुरुषोत्तम जी का सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा नहीं भारत में दासों के निर्यात को जो प्रतिबंध किया था वो किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने किया था। ध्यान दीजिएगा सिकंदर लोदी जो था किस वंश से संबंध रखता है, लोदी वंश से। लोदी वंश का ये शासक था। इसने क्या किया था तो आप सभी को पता है कि 1504 में आगरा शहर का भी स्थापना किया था और 1506 में आगरा को राजधानी भी बनाया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा सिकंदर लोदी क्या था, तो महिलाओं को जो था पीरों के दरगाहों पर भी जाने से मना किया था इस्लाम धर्म के महिलाओं को, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में मुगल और मराठों के मतभेद शुरू हुआ था, बताइएगा कौन ऐसा शासक था जिसके शासनकाल में मतभेद शुरू हुआ था मुगल एवं मराठों के मध्य में, बताइएगा। चलिएगा मनीष आर्यन जी तीन ग्रुप में सेंड किया, धन्यवाद। जितने भी आप लोग जुड़े हुए हैं एक बार शेयर आप लोग कर दिया कीजिएगा आप लोग अपने फ्रेंड के बीच में। चलिएगा वंदना जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा। चलिएगा सभी लोग बताइएगा जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा टफ किया गया, फिर आगे जा करके आपको लेवल ठीक मिलेगा। चलिए कबीर सिंह जी का सही है, पुरुषोत्तम जी का सही है, ज्योति जी का सही है। चलिए स्वीटी राज जी का सही है, रिया जी का सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। रामपुकार जी का भी सही आंसर आया है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी अकबर के शासनकाल में जो था वो क्या था, तो अकबर के शासनकाल में मुगल एवं मराठों के जो मध्य जो मतभेद था वो क्या हो गया था, अधिक हो गया था। अब ध्यान दीजिएगा कि अकबर ने भगवान दास को क्या किया था, तो भगवान दास को अमीर उल उमरा की उपाधि दिया था। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अकबर के दरबार में एक व्यक्ति रहता था बीरबल, बीरबल का वास्तविक जो बचपन का नाम था वो क्या था, तो महेश दास था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और बीरबल का जो हत्या हुआ था यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाने के दौरान में उसका मृत्यु हो गया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और अकबर ही था जो मुगल वंश में सबसे अधिक जो शासन करने वाला जो शासक था वो कौन था, तो अकबर था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था, बताइएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है, बताइएगा 63 नंबर क्वेश्चन फटाफट बता दीजिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा सभी लोग। चलिएगा रविरंजन जी का सही आंसर आया है, आप लोग अपना जवाब दीजिए यहाँ से। चलिएगा स्वीटी राय जी का सही आंसर है, और बताइएगा। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा 63 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी अश्वघोष बौद्ध दार्शनिक ने रहस्यवाद का सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका डी होगा यानी अश्वघोष इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जैन दर्शन बताइएगा किससे संबंधित था, बताइएगा। जैन दर्शन बताइएगा कि किससे संबंधित था, वेदांत से, सांख्य से, वैशेषिक से या योगाचार से, बताइएगा। 64 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा वंदना जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा। निधि जी का सही है, अजीत कुमार जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। रिया जी का सही है, मधु जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, पुरुषोत्तम जी का सही है, अनिशा जी का सही है,
धर्मेंद्र जी का सही है, स्वीटी राज जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, छोटू जी का सही है, पुरुषोत्तम जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी सांख्य से संबंधित है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैन धर्म की बात आई है तो जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे, तो महावीर थे। जैन धर्म का जो प्रथम अनुयायी था वो कौन था, तो महावीर का जो दामाद था उसको नाम क्या था, तो जामिल था, आप सभी को पता है। जैन धर्म को महावीर अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किए थे, तो 11 गंधर्वों में विभाजित किए थे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तिरुचिरापल्ली बताइएगा कि किस नदी के किनारे है, 65 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा 65 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा सभी लोग फटाफट, चलिएगा बताइएगा, चलिएगा। दिव्या ज्योति जी कोई बात नहीं, बारिश की वजह से नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए आप लोग। चलिएगा सौमी शरण जी का सही आंसर है, नवीन जी का सही है, रवि रजक जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या होगा ध्यान दीजिएगा, 65 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी तिरुचिरापल्ली जो शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो वो कावेरी नदी के किनारे, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गोदावरी है, तो गोदावरी है जो, ध्यान दीजिएगा, यानी आप सभी को पता कि नासिक एक शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब विजयवाड़ा एक शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो कृष्णा नदी के किनारे है, आप सभी को पता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं तिरुचिरापल्ली है जो किस नदी के किनारे है, तो कावेरी। लखनऊ शहर आता है तो गोमती नदी के किनारे है। दिल्ली का अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो दिल्ली किस नदी के किनारे है, तो यमुना नदी के किनारे है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम बताइएगा, भारत का प्रथम नाभिकीय संयंत्र का नाम बता दीजिएगा आप लोग सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिएगा पिंटू जी का सही आंसर आया है, अमरजीत जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, नवीन जी का सही है, निधि जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, रवि रंजन जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, स्वीटी राज जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, पुरुषोत्तम जी का सही है, मधु जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, रवि रजक जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, सुधीर जी का भी सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। अप्सरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी भारत का जो प्रथम नाभिकीय संयंत्र है वो कौन सा है, तो अप्सरा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है कि द मोमेंट ऑफ लिफ्ट पुस्तक के लेखक बताइएगा कि कौन है, 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, बताइएगा द मोमेंट ऑफ लिफ्ट पुस्तक के लेखक बताइएगा। चलिएगा आप सभी को पता है कि हम लोग का क्लास प्रतिदिन सुबह 11 बजे से चलता है, लेकिन आज कुछ कारणवश आप लोग का क्लास है जो 6:30 से किया गया था, सोमवार से हम लोग फिर 11 बजे सुबह में ही मिलेंगे, तो इस बात का आप लोग टाइमिंग का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा बीना भारती जी का सही है, रामपुकार जी का सही है, पुरुषोत्तम जी का सही है, अश्विनी जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, मनीष आर्यन जी का सही है। चलिएगा मनीष कुमार जी गुड इवनिंग, चलिएगा ज्योति जी का भी सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा मिशेल ओबामा। द मोमेंट ऑफ लिफ्ट जो पुस्तक है उसका जो लेखक है वो कौन है, तो ध्यान दीजिएगा मिशेल ओबामा इसके लेखक है, ध्यान दीजिएगा। द ओडिसी ऑफ होप पुस्तक के लेखक, ध्यान दीजिएगा बराक ओबामा, द ओडिसी ऑफ होप बराक ओबामा, इस पुस्तक के लेखक द मोमेंट ऑफ लिफ्ट के लेखक मिशेल ओबामा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा कि भारत में स्थानीय स्वशासन प्रारंभ करने का निम्नलिखित में से किसने प्रारंभ किया था, बताइएगा भारत में स्थानीय स्वशासन बताइएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिए रामजी जी का सही आंसर है, बीना भारती जी का सही है, ज्योति जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, पुरुषोत्तम जी का सही है, शिवानी जी का सही है, रामपुकार जी का सही है, निधि जी का सही है, छोटू जी का सही है, सौमी शरण जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, पिंटू जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, छोटू जी का सही है, रिया जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी लॉर्ड रिपन, स्थानीय स्वशासन का जनक किनको माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। और लॉर्ड रिपन ने ही क्या किया था, तो बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, तो 1882 में इसको समाप्त कर दिया था, आप सभी को पता है। यानी किसने समाप्त किया था, तो स्थानीय स्वशासन का अगर प्रारंभ करने का श्रेय अगर जो जाता है वो किसे जाता है, तो ध्यान रखिएगा यानी लॉर्ड रिपन को जाता है। इसी ने क्या किया था, तो और भी इसी बहुत सारे भारत के पक्ष में भी यह काम किया था, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत के उदारक की भी संज्ञा दिया था, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, भारत के उदारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को दिया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गीतांजलि एक्सप्रेस बताइएगा कि किन दो शहरों के बीच में चलता है, बताइएगा। चलिएगा सोनहित शर्मा जी बिल्कुल। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, 69 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया, ध्यान दीजिएगा।
चलिएगा, रवि रजक जी का सही है। और बताइएगा, चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर आया है। चलिएगा और बताइएगा, शिवानी जी का सही है, पुरुषोत्तम जी का सही है। चलिएगा पिंटू जी का सही है, सुधीर जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, पिंटू जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं हावड़ा से मुंबई बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं गीतांजलि एक्सप्रेस जो चला है वो कहाँ से कहाँ तक चलती है, ध्यान दीजिएगा, यानी हावड़ा से मुंबई तक चलता है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी, हावड़ा से मुंबई तक। ध्यान दीजिएगा, एक और एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस जो चलता है वो कहाँ से कहाँ तक, आप लोग बता दीजिएगा। एक विवेक एक्सप्रेस है जो भारत में सबसे अधिक दूरी तक तय करता है, बताइएगा कहाँ से कहाँ तक चलता है विवेक एक्सप्रेस, बताइएगा। इस टाइम नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से मैं क्लास सुबह 11 बजे रखता हूँ, आप लोग को पता होना चाहिए। इसमें नेटवर्क का प्रॉब्लम थोड़ा सा रहता है, इस वजह से क्लास 11 बजे हम लोग रखते हैं, और सोमवार से आप लोग का क्लास 11 बजे से ही रहेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने भी स्टूडेंट हैं, सोमवार से 11 बजे हम लोग सुबह में करेंगे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन का टारगेट है, 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलिएगा, विवेक एक्सप्रेस बता दीजिएगा आप सब लोग कहाँ से कहाँ तक चलता है। चलिएगा, सबसे लंबी दूरी तय करने वाली भारत की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस ही है। चलिएगा, नवीन जी का सही है, अमरजीत जी का सही है। चलिएगा, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, डिब्रूगढ़ से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में चलता है, बिल्कुल सही। मधु जी का भी सही आंसर आया है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा सुरक्षित किया गया है, बताइएगा। अनुच्छेद 21 में किस चीज़ को बताया गया है, चलिएगा। चलिएगा, अनीशा जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है, सोहनीत शरण जी का सही है, सोहनीत शर्मा जी का सही है, निधि जी का सही आंसर है। चलिएगा, मस्ती रेड जी का सही है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। चलिएगा, अगला क्वेश्चन के तो बढ़ जाइए, अश्विनी जी का सही है। चलिए, कबीर सिंह जी का सही है, मधु जी का सही है। चलिएगा, अमरजीत जी का सही है, रामपुकार जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। बीना भारती जी का भी सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर का। ध्यान दीजिएगा, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप लोग नाम सुने होंगे, अनुच्छेद 21 में अगर कहेगा तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इस बात को ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 21 में तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, बिल्कुल करेक्ट, लेकिन 21 के क में अगर कह देगा तो ध्यान रखिएगा 6 से 14 बरस के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, ये अनुच्छेद 21 के क में है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। ये अनुच्छेद इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि आपातकाल के दौरान भी यह जो अनुच्छेद है यह निरस्त नहीं होता, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद निरस्त नहीं होता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि एक व्यक्ति अब तक लेंस वाला चश्मा पहनता है, इस कारण से सामान्यतः बिना चश्मे के, ध्यान दीजिएगा, सामान्यतः यानी बिना चश्मे के दूरी पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है उसकी आंखों पर जो फोकस होगा वो कहां होगा, बताइएगा। यानी एक व्यक्ति अब तक लेंस वाला चश्मा पहनता है या और बताइएगा कि वो बिना चश्मे के, यानी चश्मा हटा दिया जाए तो दूर की जो वस्तु होगा उसकी प्रतिबिंब उसके आंख के फोकस से कहाँ होगा, बताइएगा। 71 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, 71 नंबर क्वेश्चन का बता दीजिएगा सभी लोग का। सोमी सरन जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, कोमल जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, दिव्या ज्योति जी का सही है, रामपुकार जी का सही है, कुंदन जी का सही है, शिवानी जी का सही है, रविरंजन जी का सही है। चलिएगा, अमरजीत जी का सही है, सुधीर जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, पिंटू जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा, दृष्टि पर यानी रेटिना के पीछे उसका प्रतिबिंब बनेगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। रेटिना के पीछे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। ध्यान दीजिएगा कि सकल राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GNP और GDP का जो अंतर होगा वह क्या कहलाएगा, बताइएगा। ये क्वेश्चन पहले भी हुआ है, इस वजह से आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा, तब सही होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, 72 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पढ़ा गया। ध्यान दीजिएगा, GNP और GDP का जो अंतर होगा उस क्या निकलेगा, बताइएगा। सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हम लोग का जो सोमवार से क्लास सुबह 11 बजे चलेगा, तो आप लोग जितने भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिएगा, अमरजीत जी का सही आंसर है, अस्मिता जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, निधि जी का सही है, सुधीर जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, दिव्या ज्योति जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, रिया जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी विदेश से प्राप्त निबल जो आय होता है उसका अंतर, मैंने बताया था कि जब GDP से जो GNP का जो अंतर कर देते हैं तो ध्यान दीजिएगा वह निकलता है तो क्या, जो विदेश से जो आय हम लोग प्राप्त करते हैं वही निकल करके आता है। ये क्वेश्चन पहले भी करवाए हैं, 4-5 दिन पहले क्वेश्चन हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा क्या निकलता है, विदेश से आय जो प्राप्त होता है वही निकलता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के रुधिर में शर्करा की मात्रा सर्वाधिक कब होता है,
बताइएगा। सर्वाधिक कब होता है बताइएगा। ऑप्शन है कि सोकर उठने के समय, भोजन के तुरंत बाद, अधिक श्रम करने के बाद, या सभी समय बराबर होता है बताइएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है बताइएगा। चलिएगा, बीना भारती जी का सही आंसर आया है। और बताइएगा, अश्विनी जी का सही है, सोमी शर्मा जी का सही है। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिए, अमरजीत जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, दिव्या ज्योति जी का सही है, अस्मिता जी का सही है। चलिएगा, नवीन जी का सही आंसर है, सुधीर जी का सही है, रविरंजन जी का भी सही है, शिवानी जी का सही है। चलिए, तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी भोजन के तुरंत जो बाद होता है वो क्या होता है, तो रुधिर में जो शर्करा की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है। कब होती है, तो भोजन के तुरंत बाद। अब ब्लड प्रेशर की अगर बात आती है, तो ब्लड प्रेशर, हम जब सोए हुए रहते हैं तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो कम रहता है। ध्यान दीजिएगा, सोते समय ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और जब दौड़ते हैं उस समय ब्लड प्रेशर क्या होता है, तो अधिक होता है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है बताइएगा। 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। 74 नंबर 74 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद आंसर आप लोग दीजिएगा फटाफट। चलिएगा, 74 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा, अमरजीत जी का सही है, पुरुषोत्तम जी का सही है। और बताइएगा, अस्मिता जी का सही है, राम पुकार जी का सही है। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर उच्च न्यायालय की चर्चा किया जा रहा है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। अमरजीत जी का भी सही है, चलिए पुरुषोत्तम जी का सही है, चलिएगा कबीर सिंह जी का भी सही है। चलिए, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे उच्च न्यायालय की चर्चा किया जा रहा है, उच्च न्यायालय के जो प्रथम न्यायाधीश बनी थी वो कौन बनी थी, ध्यान दीजिएगा, लीला सेठ इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, उसके बाद अगर चर्चा यहाँ पे आप लोग कर रहे हैं कि अन्ना चांडी, तो भारत की प्रथम महिला सत्र न्यायाधीश की अगर चर्चा किया जाएगा ना, तब अन्ना चांडी होगा। सत्र न्यायाधीश की चर्चा किया जाएगा तब अन्ना चांडी। लेकिन अगर आप लोग फातिमा बीवी भी दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, यह सुप्रीम कोर्ट की बनी थी, यानी उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय की अगर प्रथम महिला जज की अगर बात अगर किया जाएगा, न्यायाधीश की चर्चा किया जाएगा, तब फातिमा बीवी। सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा किया जाएगा तब फातिमा बीवी, लेकिन यहाँ पे क्या करा, तो उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय की जो बनी थी वो कौन बनी थी, तो लीला सेठ बनी थी। और ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कहाँ की बनी थी, तो ये हिमाचल प्रदेश की बनी थी। हिमाचल प्रदेश ऐसा है जहाँ के जो उच्च न्यायालय था वहाँ के न्यायाधीश बनी थी लीला सेठ। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बताइएगा कि जो खोज किया है, बताइएगा कि किस चीज़ का खोज किया है। ऑप्शन के अनुसार बताइएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बताइएगा किस चीज़ का खोज किया है, सभी लोग बता दीजिएगा। चलिएगा, रिया जी का सही है, रणधीर जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, सोनी शर्मा जी का सही है, निधि जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, कुंदन जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, छोटू जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, पिंटू जी का सही है, दिव्या ज्योति जी का सही है। चलिए, तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी पेनिसिलिन का जो खोज किया है वो किसने किया है, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया है। यानी पेनिसिलिन का खोज किसने किया है, तो 75 नंबर क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, ध्यान दीजिएगा। यानी प्रथम लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें राजनीतिक दल और राजनीतिक कितने राजनीतिक जो दल था उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया गया था बताइएगा। प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बताइएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। 76 नंबर क्वेश्चन। चलिएगा, एक कम्युनिटी में अगर क्वेश्चन अगर प्रतिदिन जो देखते होंगे, तो एक कम्युनिटी में एक दिन क्वेश्चन पूछा गया था, इसी वजह से मैं बोलता हूं कि कम्युनिटी का क्वेश्चन का आप लोग जरूर जवाब दिया कीजिए पर डे जा करके। चलिएगा, धर्मेंद्र जी का करेक्ट आंसर आया है। और बताइएगा, एक कम्युनिटी में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन है। चलिएगा, प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुआ था, चलिए दिव्या ज्योति जी का सही है, कुंदन जी का सही है, चलिएगा बीना भारती जी का सही है। चलिए, तो आंसर कितना बढ़िएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी प्रथम जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें जो राजनीतिक दलों की जो संख्या था वो कितना दल को मिला था राष्ट्रीय दर्जा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 14 को मिला था। ध्यान दीजिएगा, लोकसभा यानी प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था, तो आप लोग पता है कि 1951 में हुआ था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रथम जो आम चुनाव हुआ था वो कब हुआ था, तो 1951-52 देता है ये एग्जामिनेशन में, आप सभी को पता है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन कितना बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है बताइएगा, लोकसभा की जो वर्तमान सदस्यों की संख्या है बताइएगा कब तक अपरिवर्तित रहेगी बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा आप लोग के लिए। चलिए, अमरजीत जी का सही है, रिया जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, चलिएगा, सोनित शर्मा जी का सही आंसर है, स्वीटी जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, छोटू जी का सही है, ज्योति जी का सही है, कोमल जी का सही है, ज्योति जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, मनीष जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, चलिएगा, पिंटू जी का सही है, दिव्या ज्योति जी का सही है,
अमरजीत जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी वर्ष 2026 तक लोकसभा का जो वर्तमान में जो सीट है वो क्या होगा, तो अपरिवर्तित रहेगा। आप लोग बता दीजिएगा कि ये जो सीट फिक्स किया गया है 2026 तक, बताइएगा यह किस संविधान संशोधन के तहत है, बताइएगा कौन से संविधान संशोधन के तहत है। आप लोग बता दीजिएगा, सभी लोग जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं सभी का आंसर आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन पे, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह सीट फिक्स किया गया है, बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिएगा 86वां संविधान संशोधन, नवीन जी आप लोगों को पता है कि वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया गया था 2002 में, जो 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है, तो होगा नहीं 86वां, बिल्कुल गलत होगा। चलिएगा 61वां संविधान संशोधन, आप सभी को पता है कि 21 से घटा करके क्या किया गया, तो 18 वर्ष वोट देने का आयु किया गया। चलिएगा 42वां संविधान संशोधन, बिल्कुल गलत होगा। चलिएगा नवीन जी का आंसर इस बार सही आया है, चलिएगा और बताइएगा। चलिएगा जवाब आप लोग देखिए नहीं, सब आप लोग अपना अपना खुद आंसर दिया कीजिएगा, देख करके नहीं जवाब देना है। चलिए सभी लोग फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा स्वीटी राय जी का सही है, चलिएगा रिया जी का भी सही आंसर आया है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, जया प्रभा का भी सही आंसर है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा यानी 84वां संविधान संशोधन, याद दीजिएगा 84वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ, यानी वर्ष 2001 में क्या किया गया, सीट फिक्स किया गया है वो 2026 तक फिक्स किया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा दोनों का जो सीट फिक्स किया गया है वो 2026 तक किया गया है, 84वां संविधान संशोधन 2001 में। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, बताइएगा प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बता दीजिएगा आप सभी लोग। चलिएगा अश्विनी जी, चलिए सही है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िए सभी लोग। चलिएगा निधि जी का सही आंसर है, नवीन जी का सही है, मनीष जी का सही है, ज्योति जी का सही है, स्वीटी राय जी का सही है, रिया जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, अश्विनी जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, बीना भारती जी का सही है, पिंटू जी का सही है, या प्रभा का सही है, नवीन जी का सही है, चलिएगा मनीष जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, यानी प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे वो कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा मोरारजी देसाई साहब थे। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पे तीनों प्रधानमंत्री से कुछ न कुछ तथ्य जुड़ा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंदिरा गांधी जो थी राज्यसभा से जाने वाली और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी है वो कौन बनी है, तो इंदिरा गांधी है। अब ध्यान दीजिएगा चौधरी चरण सिंह से क्या जुड़ा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा यानी लोकसभा में एक भी दिन सामना नहीं किए, तो ध्यान दीजिएगा इनका चरण है, तो लोकसभा में एक भी दिन चरण नहीं रखने वाले व्यक्ति कौन है, तो चौधरी चरण सिंह है। ध्यान दीजिएगा लोकसभा में एक भी दिन चरण नहीं रखने वाले व्यक्ति कौन है, तो चौधरी चरण सिंह है, यानी लोकसभा का सामना नहीं करने वाले व्यक्ति। उसके बाद बीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ध्यान दीजिएगा विश्वनाथ प्रताप सिंह को विश्वास से नहीं प्राप्त हुआ था, ध्यान दीजिएगा विश्वनाथ और विश्वास दोनों कॉमन नजर आ रहा है, इस बात से ध्यान रखिएगा कि बीपी सिंह को विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, बताइएगा 79 नंबर क्वेश्चन आपके सिंह को पढ़ा गया, तो ध्यान दीजिएगा। चलिएगा पिंटू जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा अश्विनी जी का सही है, मनीष जी का सही है, रिया जी का सही है, नवीन जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, स्वीटी राय जी का सही है। चलिए फटाफट बताइएगा कबीर सिंह जी का सही है, मधु जी का सही है, चलिए बीना भारती जी का सही है, राम पुकार जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान दीजिएगा राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री की जो सलाह होता है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ध्यान दीजिएगा लोकसभा का जो भंग होता है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है वो कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अब प्रधानमंत्री की यहाँ पे बात आई है, तो ध्यान दीजिएगा सबसे लंबा कार्यकाल अगर पूछा जाए कि कौन से प्रधानमंत्री का था, तो जवाहरलाल नेहरू साहब का था, जो 16 वर्ष 9 महीना और 13 दिन तक किए थे। लेकिन सबसे कम समय के लिए जो प्रधानमंत्री बने थे वो अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन के लिए बने थे वर्ष 1996 में। तो सबसे कम दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, 13 दिन के लिए, सबसे अधिक दिन के लिए अगर पूछा जाए तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सिंह को पढ़ा गया, ध्यान दीजिएगा कि भारत के प्रथम जो जनगणना हुआ था वो कब और किसके शासनकाल में हुआ था, बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा 78 नंबर क्वेश्चन को शॉर्ट में क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। चलिएगा पहले 80 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिएगा। चलिएगा चलिए बंटी जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, स्वीटी राय जी का सही है, कोमल जी का सही है, मनीष जी का सही है, रिया जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, सोमित शर्मा जी का सही है। चलिएगा अमरजीत जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, रवि रंजन जी का सही है। चलिएगा जया प्रभा का सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं,
चलिएगा वंदना जी आपका आ रहा है आंसर, चलिएगा दिव्या ज्योति जी का भी सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर का ध्यान दीजिएगा नहीं। 1872 में जनगणना प्रारंभ हुआ था वो किसने, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था, लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं थी, यह नियमित नहीं थी, नियमित लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में 81 में प्रारंभ किया गया था, लेकिन यहाँ कह रहा कि प्रारंभ करना, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे क्या कह रहे हैं, तो 78 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, क्या कह रहा कि त्याग पत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति तो मुरारजी देसाई, इसका जो चौधरी चरण सिंह का आप लोगों को पता है कि लोकसभा का सामना नहीं किए थे, लोकसभा में एक भी दिन नहीं गए थे, उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि इंदिरा गांधी राज्यसभा से गई थी और जो प्रथम प्रधानमंत्री महिला बनी थी, बीपी सिंह को आप सभी को पता है कि विश्वास मत प्राप्त नहीं हुआ था, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन कथन से है, बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे, यानी नाक फटने लगा, यानी इतना दुर्गंध है स्वराज, बताइएगा यह किसने कहा था, बताइएगा। चलिएगा बंटी जी कोई बात नहीं, शाम में नेटवर्क प्रॉब्लम रहता ही है, इसी वजह से क्लास हम लोग सुबह में करते हैं, सोमवार से नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा उतना, ऐसे तो नेटवर्क प्रॉब्लम दिन भर आ रहा है, लेकिन ट्राई करेंगे हम लोग। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए, चलिएगा तो सभी आप सभी का आंसर गलत आ रहा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी के द्वारा इस बात को बोला गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा बोला गया था कि स्वराज की गंध से मेरे नथुने फटने लगे हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा धर्मेंद्र जी का भी सही है, बंटी जी का सही है, गांधी जी और बोले थे, क्या बोले थे कि जब 1942 में जब महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किए थे, तब कांग्रेस इनका साथ नहीं दे रहा था, तो कांग्रेस को क्या कहते कि मैं एक मुट्ठी बालू से भी कांग्रेस से बड़ा एक साम्राज्य स्थापित कर सकता हूं, ये भी किसने कहा था, तो गांधी जी ही बोले थे। गांधी जी और बोले थे कि भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन होगा वो कहां से होगा, मेरे लाश पर से होगा, ये भी बोला गया था गांधी जी के द्वारा, हे राम का नारा भी दिए थे, तो गांधी जी ही दिए थे, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, ध्यान दीजिएगा कि सुभाष चंद्र बोस का कब राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सदस्य थे यानी सभापति के रूप में निर्वाचन हुआ था, 82 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया, ध्यान दीजिएगा कब, बताइएगा किस अधिवेशन में, बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा 82 नंबर क्वेश्चन, चलिएगा बंटी जी बारिश के कारण, बिल्कुल बारिश अभी हो ही रही है, चलिए पिंटू जी का सही है, वंदना जी का सही है, जयप्रभा का सही है, निधि जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, रिया जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, चलिएगा अश्विनी जी का सही है, रणधीर जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, पिंटू जी का सही है, बंटी जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा हरिपुरा अधिवेशन है, त्रिपुरा अधिवेशन दो अधिवेशन में बने थे, लेकिन कब, यहाँ पे हरिपुरा ध्यान दीजिएगा, हरिपुरा है तो सर्वप्रथम हरिपुरा में बने थे, कब बने थे, तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें जीते थे, 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन, इसमें बीच में इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि गांधी जी के तरफ से पटाभी सीतारमैया लड़े थे और पटाभी सीतारमैया हार गए थे, उसके बाद गांधी जी बोले थे कि पटाभी सीतारमैया की हार नहीं बल्कि मेरी हार है, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या इस्तीफा दे दिए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, और बाकी बचे हुए समय के बाद राजेंद्र प्रसाद ने उसका अध्यक्षता किया था, ध्यान दीजिएगा यह क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि बाकी बचे हुए समय का अध्यक्षता किसने किया था, तो राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का भी स्थापना किया था, तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है कि किसके प्रयत्नों का फल हिंदू विवाह जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लागू हुआ था किसके परिणामस्वरूप, बताइएगा। चलिएगा सभी का आंसर आ जाना चाहिए, 83 नंबर क्वेश्चन, चलिएगा 17 क्वेश्चन और शेष रह गया, तो सभी लोग बताइएगा फटाफट, अमरजीत जी का सही है, रामपुकार जी का सही है, चलिएगा और बताइएगा, चलिएगा जयप्रभा का सही है, बंटी जी का सही है, रणधीर जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, पिंटू जी का सही है, कोमल जी का सही है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा क्या करा है, तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह, हिंदू विधवा पुनर्विवाह का अगर चर्चा किया तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अगर सती प्रथा का अगर बात अगर किया जाता तब राजा राम मोहरा होता, ध्यान दीजिएगा सती प्रथा का अगर जिक्र होता यहाँ पे तो राजा राम मोहरा सही होता, लेकिन हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो 1856 में लागू हुआ था तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा इसमें किया गया था। चलिएगा चलिए बिल्कुल सही नवीन जी, बिल्कुल ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपना जो उनका जो बेटा था, एक ही बेटा था उनका, जो विवाह करवाए थे विधवा के साथ करवाए थे, बिल्कुल नवीन जी का करेक्ट आंसर है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि 1912 ईस्वी में भारत में सर्वप्रथम कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, यानी कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में जो प्रथम हुआ था, बताइएगा सभी लोग बता दीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने करवाया हूँ। चलिएगा बंटी जी का सही आंसर आया है, चलिएगा चलिएगा वंदना जी का सही है, निधि जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, चलिएगा रिया जी का सही है, राम पुकार जी का सही है, सौमी शरण शर्मा जी का सही है,
चलिएगा। धर्मेंद्र जी का सही है, नवीन जी का सही है, पिंटू जी का सही है, शिवानी जी का सही है, रिया जी का सही है, जयप्रभा का सही है, मधु जी का सही है। चलिएगा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा 1912 मैंने अभी एक सप्ताह पहले ही ये क्वेश्चन को करवाया हूँ ऑनलाइन क्लास में, यानी पटना के कहाँ हुआ था तो बांकीपुर में हुआ था। इसका अध्यक्षता आर एन माधोलकर के द्वारा किया गया था। मैंने क्वेश्चन बताया था कि बिहार में दो अधिवेशन हुआ है, पहला हुआ 1912 में पटना के बांकीपुर में जिसका अधिवेशन किया जाता आर एन माधोलकर के द्वारा, दूसरा 1922 में हुआ है ये गया में हुआ था, इसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा करवाया गया था। तो दोनों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा 1912 में चित्तरंजन दास बिल्कुल। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा। गांधी जी के साथ बताइए, गांधी जी बताइएगा कि किसके आग्रह पर चंपारण आए थे, बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। चलिएगा बंटी जी का सही आंसर है, और बताइएगा अमरजीत जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। या प्रभा का सही है, स्वीटी राज जी का सही है, मधु जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, पिंटू जी का सही है, रणधीर जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, रिया जी का सही है। चलिए कोमल जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, चलिए बीना भारती जी का सही है, चलिए रवि जी का भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा नीरज कुमार शुक्ला के आग्रह पर गांधी जी कहाँ आए थे, तो चंपारण आए थे। चंपारण किस कब आए थे, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। किस चीज़ के विरोध में, तो तीनकठिया प्रणाली जो नील की खेती का जो हो रहा था उसके लिए आए थे, यानी उसको बंद करवाने के लिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। सुभाष चंद्र बोस किस छद्म नाम से कलकत्ता से काबुल पहुँचे थे, यानी नाम बदल करके पहुँचे थे कलकत्ता से काबुल, बताइएगा कि किस नाम से पहुँचे थे। 86 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को आ गया, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अमरजीत जी का सही है, और बताइएगा बंटी जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, जया प्रभा का सही है, मनीष जी का सही है, चलिए पिंटू जी का सही है, रणधीर जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, मधु जी का सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी जियाउद्दीन के नाम से सुभाष चंद्र बोस गए थे, यानी कलकत्ता से काबुल पहुंचे थे। तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ध्यान दीजिएगा सुभाष चंद्र बोस का अगर चर्चा आता है तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी सर्वप्रथम कह करके किसने बुलाया था, तो एडोल्फ हिटलर सर्वप्रथम नेताजी कह करके बुलाया था। और सुभाष चंद्र बोस का अगर जन्म का अगर चर्चा किया जाएगा तो 1897 में हुआ था 23 जनवरी को, वो कहाँ में, तो कटक में हुआ था, यानी कटक उड़ीसा में हुआ था। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर किसे घोषित किया गया है, बताइएगा। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर बताइएगा किसे घोषित किया गया है, बताइएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, बताइएगा 87 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा। चलिएगा जया प्रभा का सही आंसर आया है, और बताइएगा सोमी शर्मा जी का सही है, चलिए कोमल जी का सही है, रिया जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, अनीसा जी का सही है, पिंटू जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, बंटी जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, वंदना जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आ रहा है सही, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा यानी टोक्यो इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी सुरक्षित शहर जो घोषित किया गया है वो किसे घोषित किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा टोक्यो में घोषित किया गया, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। बिहार में बताइएगा कि धातु यानी प्रस्तर युगीन अवशेष मिले हैं, बताइएगा कहाँ से मिले हैं। 88 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया, बताइएगा 88 नंबर क्वेश्चन का, बताइएगा कहाँ से मिले हैं प्रस्तर युगीन जो अवशेष मिला है वो कहाँ से मिला है। चलिएगा चलिएगा मजीद जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा बिहार में धातु जो प्रस्तर युगीन जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिला है। चलिए बंटी जी का भी सही है, रणधीर जी का सही है, रिया जी का सही है, कुंदन जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, पिंटू जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, रविरंजन जी का सही है, स्वीटी राज जी का सही है, कोमल जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी उपयुक्त सभी, यानी लौरिया अरेराज से भी मिला है, लौरिया नंदनगढ़ से मिला है, आरामपुरवा से मिला है। सभी कहाँ स्थित है, तो चंपारण में स्थित है। कल कम्युनिटी में क्वेश्चन गया था कि जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वो कहाँ स्थित है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो पूर्वी चंपारण में है, आप सभी को पता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी पश्चिमी चंपारण में है, पूर्वी चंपारण में, पश्चिमी चंपारण। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा बताइएगा कि कब होती है, बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन, बताइएगा सभी लोग फटाफट। चलिएगा मनीष जी का सही आंसर है, और बताइएगा 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए सभी लोगों का। चलिएगा रिया जी का भी सही आंसर है, बंटी जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, बीना भारती जी का सही है,
चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, यानी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो कि शीत ऋतु में भारी वर्षा होती है, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, शीत ऋतु में होती है। अब भूमध्य सागरीय जो जलवायु जो होता है वो क्या होता है, तो फलों के लिए अधिक अच्छा माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। भारत में शीतकाल में जो वर्षा होती है, आप सभी को पता है कि तमिलनाडु का जो क्षेत्र है वहीं पर वर्षा होती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़िएगा उसके बाद आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, बताइएगा झारखंड के साथ सीमा बताइएगा कि कौन नहीं बनाता है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, सभी लोग फटाफट बताइएगा। चलिएगा रांझना सिंह जी का सही आंसर आया है, रणधीर जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, अमरजीत जी का सही है, मनीष जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, कोमल जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। बीना भारती जी का सही है, बंटी जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा। यानी झारखंड से जो अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है वो कौन नहीं बनाता है, तो ध्यान दीजिएगा बक्सर। अब ध्यान दीजिएगा आप अगर बिहार का अगर मैप अगर देखे होंगे, मैंने मैप पढ़ाया हूँ, तो ध्यान दीजिएगा ऐसे बिहार का नक्शा है, और ध्यान दीजिएगा कि गंगा नदी बक्सर में मिलती है, यानी कर्मनाशा नदी जाकर के मिलती है, तो ध्यान दीजिएगा बक्सर कहाँ पे, यहाँ पे है बक्सर, कहाँ पे बिहार के अगर मैप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्थित है, और जो झारखंड है वो कहाँ है, तो जब भी मिलेगा तो इधर वाला क्षेत्र से मिलेगा, कभी भी यहाँ से तो नहीं मिल जाएगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बक्सर कहाँ पे, यहाँ पे है, तो बक्सर से नहीं मिलता, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, बाकी सभी से मिल जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन 91 नंबर क्वेश्चन आपके सामने पर आ गया, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम उस अधिनियम का है जो भारत की विदेशी मुद्रा नियंत्रित करता है, बताइएगा कौन सी संस्था बताइएगा नियंत्रित करती है। 91 नंबर क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन और शेष रह गया, बता दीजिएगा सभी लोग। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। लिएगा 91 नंबर क्वेश्चन फटाफट बता दीजिएगा। चलिएगा कबीर सिंह जी का सही आंसर आया है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा इसका फेमा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इसका ध्यान दीजिएगा, यानी फेमा जो अधिनियम है ध्यान दीजिएगा ये क्या करता है, तो भारत की जो विदेशी मुद्रा है इसको नियंत्रित करती है, इसको फेमा को क्या किया गया है, तो जो फेरा कानून है 1972 में बनाया गया था, ध्यान दीजिएगा फेरा का नाम बदल करके क्या कर दिया है, तो इसको फेमा कर दिया है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यह क्या करता है, फेमा जो है ये क्या करता है, तो अवैध मुद्रा की निगरानी रखता है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी यह जो अधिनियम है जो भारत में विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करती है वो कौन सी है, तो फेमा कंपनी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको पहले फेरा के नाम से जानते थे। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से अगस्त क्रांति को इंगित करता है, बताइएगा अगस्त क्रांति, बताइएगा कि कौन सी क्रांति है जिसको अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं, बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा बंटी जी का सही है, मनीष जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, पिंटू जी का सही है। चलिए 8 क्वेश्चन और शेष रह गया, मनीष आर्यन जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, रामपुकार जी का सही है, रिया जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, कोमल जी का सही है, स्वीटी राय जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, मधु गुप्ता जी का भी सही। चलिए तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था आप सभी को पता है कि 1942 में 8 अगस्त को प्रारंभ हुआ था, इसको 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था, इसी वजह से इसको अगस्त क्रांति के भी नाम से जानते हैं, आप सभी को पता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी नारा दिए थे करो या मरो का भी। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा कि भारत की राष्ट्रीय आय का जो अनुमापन करने वाला जो अभिकरण है वो कौन सा है, बताइएगा सभी का आंसर आना चाहिए। 43 नंबर क्वेश्चन का बताइएगा, भारत का जो राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाला बताइएगा। 93 नंबर क्वेश्चन का, चलिएगा बंटी जी का सही है, राजनाथ सिंह जी का सही है, अमरजीत जी का सही है, कोमल जी का सही है, शिवानी जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, जयाप्रभा का सही है, अस्मिता जी का सही है, शक्ति किंजर जी का सही है, रामपुकार जी का सही है। चलिए पिंटू जी का सही है, बीना भारती जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर सही आ रहा, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, CSO इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी CSO का पूरा नाम क्या होता है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुचर्चित रहे जो यानी प्रोफेसर डी जो लकड़वाला थे, लकड़वाला फॉर्मूला का जो संबंध है वो किससे है, बताइएगा लकड़वाला आयोग गठन गया था, बताइएगा किसका संबंध किस चीज़ से है, बताइएगा 94 नंबर क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग पढ़े हुए हैं क्वेश्चन के होंगे, बताइएगा
आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो ये बिल्कुल आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन है बताइएगा लकड़ वाला, चलिएगा पिंटू जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा, चलिए कोमल जी का सही है। मैं बार बार बताता हूँ कि ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा तभी सही होगा। मनीष जी का भी सही है, चलिए लकड़वाला से आप लोग बने लकड़ी से ऐसे ही समझिए कि लकड़वाला से लकड़ी ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा। ध्यान दीजिएगा यह क्या किए थे तो गरीबी रेखा का निर्धारण किए थे कैलोरी खपत पे। ध्यान दीजिएगा कैलोरी खपत पे गरीबी रेखा का जो निर्धारण किया था वो लकड़वाला आयोग के ही सिफारिश पे किया गया था। समझे, अब याद आ गया सभी को, तो ध्यान दीजिएगा यानी क्या कहा गया था, यानी जो लकड़वाला आयोग था अपना रिपोर्ट पेश किया था उसमें क्या कहा था, तो ग्रामीण जो जनसंख्या है वो 2400 कैलोरी से अगर नीचे अगर भोजन अगर लेता है तो क्या होगा, तो बीपीएल में आएगा यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, और जो इसे अगर अधिक लेगा तो वो एपीएल के अंतर्गत आएगा अपर पॉवर्टी लाइन, और जो शहरी क्षेत्र में दर्शाया गया था वो 2100 कैलोरी दर्शाया गया था, यानी 2100 कैलोरी जो हुआ था वो कैलोरी खपत के अनुसार दर्शाए थे, और जो पैसा पर दर्शाया था वो कौन सा था, सुरेश तेंदुलकर कमेटी के सिफारिश पे पैसा पे दर्शाया गया था, गरीबी रेखा का निर्धारण पैसा पे जो किया गया था वो सुरेश तेंदुलकर कमेटी, और कैलोरी खपत पे दर्शाया गया था तो लकड़वाला आयोग के सिफारिश पे। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का जो अध्ययन उसको क्या कहते हैं, बताइएगा। चलिएगा एपीएल और बीपीएल आप सभी पता है कि एपीएल का होता है अपर पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का होता है बिलो पॉवर्टी लाइन। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए। बंटी जी का सही आंसर है 95 नंबर क्वेश्चन का। चलिएगा अमरजीत जी का सही आंसर है। बंटी जी थोड़ा सा आंसर देखिए, अमरजीत जी का सही आंसर आया है, और बताइएगा। अश्विनी जी का सही है। चलिए रवि रंजन जी का सही है। चलिए शिवानी जी का भी सही है। चलिएगा तो आंसर की तरफ बढ़िएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी एंटीजन और एंटीबॉडी का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, तो सेरोलॉजी इसको कहते हैं। और जो ब्लड ग्रुप होता है वो होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो एंटीबॉडी पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन सी जितने भी लगाए सभी का आंसर सही है। ऑप्शन सी ब्लड ग्रुप जो ओ होता है उसमें एंटीबॉडी पाया जाता है, ए बी में होता है उसमें एंटीजन पाया जाता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, बताइएगा। यानी 96 नंबर क्वेश्चन आपके ऊपर आ गया, बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी। चलिए शिवानी जी का सही है, मर्जी जी का सही है, बंटी जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, रणधीर जी का सही है, कोमल जी का सही है, शक्ति किंजर जी का सही है, स्वीटी जी का सही है, मनीष आर्यन जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, पिंटू जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं, रिया जी का भी सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, यानी परमाणु क्रमांक पर, यानी परमाणु जो संख्या है इसके आधार पर जो आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है वो मोसले साहब के द्वारा बनाया गया। आप सभी को पता है कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक किनको माना जाता है, मोसले साहब को माना जाता है, ये एटॉमिक संख्या के आधार पर बांटा गया, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सुन को पढ़ा गया, ध्यान दीजिएगा कि भारतीय विज्ञान की कौन सी शाखा ओनीरोलॉजी के अंतर्गत, बताइएगा कि क्या अध्ययन किया जाता है। ओनीरोलॉजी 96 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और शेष रह गया है, बताइएगा ओनीरोलॉजी बताइएगा। चलिएगा चलिएगा रिया जी का सही आंसर आया है, अमरजीत जी का सही है, बंटी जी का सही है, नवीन जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, पिंटू जी का सही है, चलिए शिवानी जी का सही है, अश्विनी जी का सही है, मनीष जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आना चाहिए, पिंटू जी का सही है, चलिए अश्विनी जी का सही है, स्मिता जी का सही है, स्वीटी राज जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ जाते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सोमित शर्मा जी का सही आंसर है, तो ऑप्शन इसका ध्यान दीजिएगा। वंदना जी का भी सही है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा नहीं स्वप्नों का, न्यूरोलॉजी में क्या होता है, तो स्वप्नों का अध्ययन होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आपके सुन को पर आ गया, ध्यान दीजिएगा। यानी स्वर्गीय यानी डीवी देवधर किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। देवधर ट्रॉफी, बताइएगा। यानी स्वर्गीय डीवी देवधर जो है, बताइएगा कि जो ट्रॉफी है वो किस खेल से संबंधित है, बताइएगा। देवधर ट्रॉफी के भी नाम से इसको जाना जाता है। चलिए रामजी जी का सही है, धर्मेंद्र जी का सही है, शक्ति किंजर जी का सही है, पिंटू जी का सही है, राजनाथ सिंह जी का सही है, कुंदन जी का सही है, चलिए राम पुकार जी का सही है, शिवानी जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, रिया जी का सही है, स्वीटी राज जी का सही है, शक्ति किंजर जी का सही है। चलिएगा सभी का आंसर आ रहा सही। चलिएगा मधु गुप्ता जी का भी सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, यानी क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन सी क्रिकेट से संबंधित है, यानी देवधर ट्रॉफी है जो किस चीज़ से संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। भारतीय क्रिकेट का पितामह जो कहा जाता है, यानी देवधर को ही क्या कहा जाता है, तो भारतीय क्रिकेट का पितामह कहा जाता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और देवधर ट्रॉफी का संबंध, एक ईरानी ट्रॉफी है, तो ईरानी ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से है, चैंपियन ट्रॉफी का भी संबंध क्रिकेट से ही है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिएगा 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन को पर आ गया, तो ध्यान दीजिएगा 99 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन और शेष रह गया, बताइएगा। संयुक्त राष्ट्र में बताइएगा कि 5 महाशक्तियां को बताइएगा कि निषेधाधिकार का उपयोग किस में करती है, बताइएगा। सभी का आंसर आना चाहिए 99 नंबर क्वेश्चन।
संयुक्त राष्ट्र में बताइएगा कि पांच महाशक्तियां निषेधाधिकार का प्रयोग किसमें करती है, बताइएगा। चलिएगा, सभी का आंसर आना चाहिए। चलिएगा, बीना भारती जी का सही आंसर आया है। चलिएगा, स्वीटी राय जी का सही है, कुंदन जी का सही है, अनीसा जी का सही है, पिंटू जी का सही है, चलिएगा रिया जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी सुरक्षा परिषद यानी संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, वो पांच जो महाशक्ति है वो विशेषाधिकार का जो उपयोग करती है वो कहाँ करती है, तो यानी वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा यानी सुरक्षा परिषद में करती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी सुरक्षा परिषद में करती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी पाँच जो महाशक्ति है, तो पाँच जो अस्थायी सदस्य है, और इसमें अस्थायी की अगर चर्चा अगर किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा 10 अस्थायी सदस्य है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसमें जो अस्थायी सदस्य के रूप में है वो कौन कौन सा है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है और अमेरिका है। ये पांच देश है जो क्या है, तो अस्थायी देश के रूप में है। 10 है जो इसका, यानी 10 जो होता है या अस्थायी होता है, उसका प्रत्येक 2 वर्ष के बाद चेंज होते रहता है। ये इसका जो स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ है, तो इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी दूसरा विश्व युद्ध के बाद ये हुआ है इसका स्थापना। चलिएगा, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है। तो चैनल पर अगर इतने भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम लोग का क्लास सोमवार से 11 बजे से चलेगा। जैसे हम लोग का क्लास करंट अफेयर और जीके जीएस का चल रहा है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दे दीजिएगा। चलिएगा, और कैसा क्लास लगा सभी लोग कमेंट में जरूर लिखते हुए जाइएगा, और वीडियो को लाइक करते हुए भी जाइएगा। चलिए, बंटी जी का सही है, राजनाथ सिंह जी का सही है, पिंटू जी का सही है, मनीष जी का सही है, शिवानी जी का सही है, मधु गुप्ता जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, चलिएगा नवीन जी का सही है, बंटी जी का सही है, रणधीर जी का सही है, शिवानी जी का सही है, बीना भारती जी का सही है, अस्मिता जी का सही है, खुशबू जी का सही है, सौमी शर्मा जी का सही है, नवीन जी का सही है, कबीर सिंह जी का सही है, अमरजीत जी का सही है। चलिए तो आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, यानी कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो बीट होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 किलोबाइट को क्या, यानी 1 किलोबाइट बराबर जो होता है यानी 1024 बाइट होता है, ध्यान रखिएगा। 1 मेगाबाइट बराबर कितना किलोबाइट होता है, तो 1024 होता है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा करेक्ट आंसर है। चलिएगा, सभी को क्लास कैसा लगा सभी लोग लास्ट में बताते हुए जाइएगा, और जितने भी स्टूडेंट अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और दोस्तों, जितने भी आप लोग नए हैं तो एक बार शेयर अपने दोस्तों को भी जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को आप लोग लाइक करते हुए जाइएगा। ध्यान दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सोमवार को हम लोग मिलते हैं 11 बजे। कल आपका एक रिकॉर्डेड वीडियो जाएगा, तो कल आप 11 बजे के आसपास से 10 बजे ही जाएगा एक वीडियो। और कम्युनिटी का क्वेश्चन का आप लोग जवाब सभी लोग जरूर दीजिएगा, कम्युनिटी में क्वेश्चन जाएगा तो सभी लोग जरूर दीजिएगा। चलिएगा, बंटी जी कोई बात नहीं, नहीं देख पाए। चलिएगा, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से कल हम लोग सोमवार को फिर मिलेंगे 11 बजे। चलिएगा, तो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सभी लोग को चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।